नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस लाइव सेशन में। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। गिव मी अ थम्स अप, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू पीपल? क्या हम आपको बेहतरीन तरह से दिखाई सुनाई दे रहे हैं? इन द चैट, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस? बताओ। हाँ चलो भाई साहब, जब हम आपको दिखाई दे रहे हैं और सुनाई दे रहे हैं तो इसी बात पे आज का चैप्टर शुरू किया जाए। क्लास नाइन्थ हिस्ट्री, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। जितना बड़ा नाम उतना बड़ा चैप्टर, समाता नहीं है एक बार में तो, है ना? आर यू गाइस ऑल्सो फीलिंग द सेम थिंग? बहुत बड़ा चैप्टर से बहुत बड़ा चैप्टर चलते जाते हैं इजंट इट? चलो, तो अगर आपके दुख दर्द इन्हीं चीजों को लेके हैं तो यू आर एट द राइट प्लेस। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस चैप्टर की सारी समस्याएं जो है समाप्त करने वाले हैं। कैसे सारी समस्याएं समाप्त करने वाले हैं? तो मैं आपको इस एक लाइव सेशन में पूरा चैप्टर रिवाइज करूंगा। खाना वाना खा के बैठे हो बढ़िया, ठीक है? पूरा चैप्टर जो है वो एक बार में रिवाइज करेंगे हम। पॉइंट क्या रहेगा कि आपको एनसीईआरटी लेकर बैठना है, सारी चीजें रिकॉल करते चलना है, आपने डिटेल एक्सप्लेनेशन आए किस देखा होगा पढ़ा होगा। शुरू करते हैं, हियर वी गो, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, शेयर दिस सेशन विद योर क्लासमेट्स, ला उन्हें पकड़ के, ठीक है? फिर शुरू करते हैं। चैनल की प्रोफाइल फोटो क्या है कि यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए ना। द सोशल ब्रेन्स, दिग्राज सिंह राजपूत सब एक ही है, तो उसको एक जैसी यूनिफॉर्मिटी में रखें इसके लिए, दैट इज द रीजन। बस यही कारण है और कोई कारण नहीं, ठीक है? चलो, तो द सोशल ब्रेन्स पे हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले कब करवा रहे हो तुम लोग, ये बताओ पहले। कल, ठीक है? तो सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, राम राम भाई सारियान ने। आज है हमारे 10 डेज चैलेंज का 5th डे। आधी मंजिल तय कर ली हमने, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है। आज के इस पूरी क्लास में हम क्या करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है? स्टार्ट करते हैं, कहां से स्टार्ट करते हैं? चैप्टर के इंट्रोडक्शन से, चैप्टर की पूरी रूपरेखा, ठीक है? चैप्टर की पूरी रूपरेखा जो मैं आपको बताने वाला हूं वो क्या है, वो कुछ ऐसी है कि देखो, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर चैप्टर बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा नहीं है चैप्टर, ठीक है? क्या होता है, अगर कोई एक चीज 1 मीटर की है, इतनी बड़ी है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, 2 हिस्सों में तोड़ देंगे तो आधी मीटर की हो गई, छोटी हो गई। तो वही आपको भी करना है कि चैप्टर को आप ऐसे देखो, एक चैप्टर सिर्फ सोशलिज्म इन यूरोप है, एक बार में इतना ही पढ़ो अगर आपको बड़ा लग रहा है तो। फिर दूसरा पार्ट जो है चैप्टर का वो क्या है, द रशियन रेवोल्यूशन, तो दूसरी बार में हम सिर्फ द रशियन रेवोल्यूशन वाली चीज पढ़ेंगे। सोशलिज्म इन यूरोप में हम क्या क्या पढ़ते हैं कि यूरोप में सोशलिज्म का आइडिया कैसे फैला। सोशलिज्म क्या है, एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है। क्या है वो विचारधारा और पूरे यूरोप में कैसे फैली? तो लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स, 3 अलग अलग प्रकार के जो सोच रखने वाले लोग थे यूरोप में, ठीक है? जैसे आप देखेंगे 18th सेंचुरी के एंड में, ठीक है, आपको 18th सेंचुरी के एंड में आपको ये देखने को मिलता है कि लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स सोसाइटी में इमर्ज हो रहे थे। सोसाइटी उस समय पे इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन रही थी, इंडस्ट्रीज धीरे धीरे आई थी और उन इंडस्ट्रीज के आने से सोसाइटी में चेंज आ रहा था। क्या था वो पढ़ेंगे और फिर उसी के चलते आपको क्या देखने को मिलता है, उस इंडस्ट्रियल सोसाइटी के इमर्जेंस से सोसाइटी में चेंज आया और वो जो सोसाइटी में चेंज आया तो उससे सोशलिज्म का सपोर्ट बढ़ा है, सपोर्ट बेस बहुत बढ़ गया सोशलिज्म का, ठीक है? उससे सोशलिज्म का सपोर्ट बेस बढ़ गया है। तो अब हम ये एक चैप्टर को सिर्फ इतने पार्ट में देखते हैं। कक्षा 9वीं, ध्यान दो, चैप्टर बड़ा नहीं है, एक पार्ट में सिर्फ आप यूरोप में सोशलिज्म कैसे फैला वो वाली चीज देखते हो। फिर यूरोप में ही रशिया है, तो रशिया जो है, तो रशिया में रशियन रेवोल्यूशन कैसे आया, क्या हुआ रशियन रेवोल्यूशन में, वो सारी चीजें, पूरी रशिया की कहानी जो है ना, 1905 का रेवोल्यूशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन, फरवरी रेवोल्यूशन, फरवरी रेवोल्यूशन के बाद में क्या, ठीक है? तो वो पूरा केस जो है, वो पूरा केस आप रशियन रेवोल्यूशन में पढ़ते हैं, वो पूरा केस आप रशियन रेवोल्यूशन में पढ़ते हैं। तो वही रशियन एम्पायर, वहां की इकोनॉमी कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, रूट्स ऑफ सोशलिज्म, सोशलिज्म ओरिजिनेट कहां से हुआ, 1905 का रेवोल्यूशन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसका इंपैक्ट क्या रहा, फरवरी रेवोल्यूशन हुआ, फरवरी रेवोल्यूशन के बाद में अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ और अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ रशिया में, ठीक है? तो ये पूरी चीज जो है, ये पूरी चीज आपको रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। ये चैप्टर की रूपरेखा है जो मैंने आपको 3 मिनट के अंदर पूरी बहुत बेहतरीन तरह से बता दी है, समझ में आया ना? तो चैप्टर को आसान कैसे करना है, उसको
अलग अलग पार्ट्स में क्या कर दो, बाइफरकेट कर दो. गॉट इट? गिव मी अ थम्स अप, फिर शुरू करते हैं. गिव मी अ थम्स अप. ए बातचीत आपस में नहीं, ठीक है? ध्यान इधर. आईटी पढ़ा दो, बस वही कर रहा हूं अब, इसके बाद में वही चालू करेंगे बस. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. तो क्या है कहानी, देखो. द एज ऑफ सोशल चेंज, द एज ऑफ सोशल चेंज में क्या है, अंडरस्टैंड द एसेंस. आप देख रहे हैं 18th सेंचुरी में एक बोल सकते हैं ना कि सोसाइटी टर्न टुवर्ड्स अ डिफरेंट डायरेक्शन. क्यों? क्योंकि अभी तक जो मोनार्की वोनार्की का सिस्टम था वो खत्म हो गया. यूरोप की बात कर रहे हैं, सोशलिज्म इन यूरोप पढ़ रहे हैं पहले अपन, ठीक है? तो वो सारी चीजें खत्म हो गई है. रेवोल्यूशन आ रहे हैं तो पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग थिंग्स, ठीक है? थॉट प्रोसेस लोगों का चेंज हो रहा था, सोचने का नजरिया बदल रहा था. और उसी प्रोसेस में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अलग अलग तरह के लोग जो है अपने आप को अलग अलग तरह से आइडेंटिफाई कर रहे थे. दे आइडेंटिफाइड देमसेल्फ इन डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है? तो डिफरेंट ग्रुप्स इमर्ज्ड, जैसे लिबरल्स, ठीक है? जैसे लिबरल्स, जैसे रेडिकल्स, जैसे कंजर्वेटिव्स, ठीक है? जैसे कंजर्वेटिव्स. अब लिबरल्स जो आए सोसाइटी में, तो लिबरल्स का क्या मानना था, लिबरल्स कौन है, ठीक है? Whom you will say that he or she is a liberal? What is the thought process of liberals? Write a short note on the liberals. तो liberals कौन थे? Those who wanted a nation that would tolerate all religions. तो liberals वो लोग थे जो सारे धर्म को equally देखते थे. उनको ऐसा नहीं था कि orthodox Christianity की तरह सिर्फ Christians ही रहेंगे ये वो. वो यूरोप में ये चाहते थे कि सारे धर्म के लोग रहे, मजे से रहो, लड़ो भिड़ो मत, सुख शांति से रहो, ठीक है? उसके बाद में क्या है कि जो लिबरल्स थे वो सारे रिलीजन्स को टॉलरेट करना चाहते थे. वो पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री बेसिस पे गवर्नमेंट चाहते थे, ठीक है? इक्वल राइट्स हो, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो, मोनार्क की एब्सोल्यूट पावर ना हो, वो पावर पे चेक चाहते थे, ठीक है? वो क्या चाहते थे, एक वेल ट्रेन जुडिशरी हो जहां पे वो रूलर्स से इंडिपेंडेंट हो, ऑफिशियल्स हो जो कि क्या हो, जो कि लॉज बनाए, जो कि लॉ को रेगुलेट करे. मतलब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, जुडिशरी, ठीक है? टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स. फिर उसके साथ साथ में क्या चाहते थे, गवर्नमेंट बाय कंसेंट चाहते थे कि सरकारें बने. फाइन, जो सोसाइटी में बदलाव की बात कर रहे लिबरल्स, लेकिन हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स लिबरल्स. लेकिन लिबरल्स के साथ में समस्या क्या थी कि लिबरल्स वर नॉट डेमोक्रेट्स. व्हाई लिबरल्स वर नॉट डेमोक्रेट्स? तो उसका सिंपल सा कारण था कि लिबरल्स सबको वोटिंग राइट नहीं देना चाहते थे. वो सिर्फ वोटिंग राइट देना चाहते थे प्रॉपर्टीड मेन को, वुमेन को भी नहीं, ठीक है? सिर्फ प्रॉपर्टीड मैन को. तो लिबरल्स वर हाउएवर नॉट डेमोक्रेट्स. तो आपने एक तीर से दो निशाने मार दिए. लिबरल्स कौन थे समझ में आया, और डेमोक्रेट्स कौन होते हैं, जो इक्वल वोटिंग राइट में विश्वास रखते हैं. इन द चैट जस्ट लेट मी नो, क्या रेडिकल्स डेमोक्रेट्स थे? बताओ. डेमोक्रेट्स मतलब द वन हु बिलीव्स इन द इक्वल वोटिंग राइट्स ऑफ ऑल. तो वर दी रेडिकल्स डेमोक्रेट्स? क्या रेडिकल्स डेमोक्रेट्स थे? यस, जी हाँ. तो अब रेडिकल्स की बात करें तो लिबरल्स हो गया. उसके बाद में एक कैटेगरी के लोग थे रेडिकल्स. दे वांटेड गवर्नमेंट विच वॉज बेस्ड ऑन मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, विच मींस दे वांटेड दैट ऑल द स्टेक होल्डर शुड हैव राइट टू वोट. दे बिलीव्ड इन द यूनिवर्सल सफरगेट, ठीक है? यूनिवर्सल सफरगेट मतलब क्या है कि रेडिकल्स वो लोग थे जो इस चीज में विश्वास रखते थे कि महिलाओं को भी वोटिंग राइट मिले, ठीक है? महिलाओं को भी वोटिंग राइट मिले. और रेडिकल जो चाहते थे तो सडन चेंज चाहते थे सोसाइटी में, ठीक है? दे वर अगेंस्ट द प्रॉपर्टीड मैन, ठीक है? प्राइवेट प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट में नहीं थे वो, ठीक है? वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट में नहीं थे, ठीक है? वो सिर्फ इतना चाहते थे कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन टू द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल ना रहे, समाज में संपत्ति को सबके बीच में बांट दिया जाए. इस चीज में विश्वास रखते थे वो, ठीक है? इस चीज में विश्वास रखते थे. तो द आइडिया ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू वाज डिसलाइक्ड बाय देम, ठीक है? कि कुछ ही लोगों के हाथ में प्रॉपर्टी कंसंट्रेटेड रहे, ये उनकी चाह नहीं थी. वो वुमेन के भी वोटिंग राइट को सपोर्ट करते थे. दीज वर द रेडिकल्स, ये थे रेडिकल्स, ठीक है? आप रेडिकल्स हैं, आप लिबरल्स हैं, दोनों चेंज चाहते हैं. और तीसरी कैटेगरी के जो लोग थे तो वो कबड्डी के पाले में उस तरफ खड़े थे, मतलब जो चेंज नहीं चाहते थे. दे वर कंजर्वेटिव्स. वो लोग कौन थे? कंजर्वेटिव्स थे. कंजर्वेटिव्स क्या चाहते थे? तो दे वर अगेंस्ट द चेंज. पहली बात तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो ना,
क्यों बदलाव लाना है, उस तरह की ठीक बात करते थे। पर आपको एक चीज समझना होगा, the only thing permanent in this universe is the change, ठीक है, कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो कंजर्वेटिव्स क्या है, कंजर्वेटिव्स बदलाव नहीं चाहते थे, लेकिन लेकिन कंजर्वेटिव्स बदलाव तो नहीं चाहते थे, लेकिन क्या होता है कि बाद में उन्हें समझ में आया कि चेंज इज इनएविटेबल, चेंज को नहीं रोका जा सकता है। दे वॉन्टेड द पास्ट टू बी रिस्पेक्टेड एंड ग्रेजुअल चेंज टू टेक प्लेस, वो चाहते थे कि पास्ट को रिस्पेक्ट किया जाए और चेंज जो है वो ग्रेजुअली आए, स्लोली एंड ग्रेजुअली आए, चेंज अब्रप्ट तरीके से ना आए, रातों रात चीजें ना बदल दी जाए, ठीक है। तो दे वॉन्टेड द पास्ट टू बी रिस्पेक्टेड एंड ग्रेजुअल चेंज टू टेक प्लेस, ठीक है, ग्रेजुअल चेंज आना चाहिए, चेंज रातों रात ना आए, इस चीज की बात करते थे। साथ ही साथ क्या है, बट सून आफ्टर द रेवोल्यूशन दे बिगिन टू एक्सेप्ट द चेंजेस, लेकिन उन्हें समझ में आया क्या कि वही चेंज इनएविटेबल है, तो चेंज तो आके रहेगा। तो फिर बाद में उन्होंने समझा कि यार चलो चेंज ले आओ, लेकिन हमारे पास्ट को रिस्पेक्ट करो, रेवोल्यूशन के बाद में चेंज तो आना तय था, ठीक है। तो लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स, इज दिस क्लियर टू यू पीपल, गिव मी अ थम्स अप। इस चैप्टर से मतलब देखो दो तीन चीजें होती है, एक तो आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, मैं अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाता हूं कि चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, मान लो नहीं आया, दूसरी चीज आपको यह पता होना चाहिए कि सवाल क्या आ सकते हैं, क्योंकि एट दी एंड एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। तो वो भी ध्यान रखते चला करो। तो जैसे लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स, इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करने को, इनके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चंस, इस तरह के सवाल बन के आते हैं, ठीक है, ठीक है, इस तरह के सवाल बन के आते हैं, ठीक है। सफ्रगेट मूवमेंट मतलब वोटिंग राइट दिलवाने का मूवमेंट, सफ्रगेट जैसे बोलते हैं ना यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रगेट, ठीक है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है, ठीक है, तो उसका मतलब है कि वोटिंग राइट देना, सफ्रगेट यानी वोटिंग राइट, ठीक है, वुमेन सफ्रगेट के सपोर्टर थे। अब आ जाओ इंडस्ट्रीज एंड सोशल चेंज, तो समाज में अलग अलग प्रकार के लोग थे, ठीक है, द एज ऑफ सोशल चेंज आपने देख लिया, समाज में बदलाव आ रहा था, क्या बदलाव आया, इंडस्ट्रियल सोसाइटी आ गई, ठीक है। सो दिस वॉज द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज, मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन वर पुश्ड इनटू फैक्ट्रीज, लोग काम के लिए धक्का दिए गए थे किधर, कि जाओ फैक्ट्रीज में काम करो। अब ऐसा नहीं है कि रेड कार्पेट एंट्री हो रही है, आइए आप ही का इंतजार था, अब ये जो लोग जब गए ना तो वहां पे सिचुएशन बड़ी खराब थी, लोअर वेजेस थी, कम पैसे मिलते थे, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, फिर उसके बाद में आपको ये देखने को मिलेगा कि वर्किंग कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं होती थी, ठीक है, वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा होते थे, ठीक है। तो ऑन लोअर वेजेस वेयरस लिबरल्स एंड रेडिकल्स हु वर फैक्ट्री ऑन लोअर वेजेस, क्या लिखा है, ठीक है, दे वर पुश्ड इनटू द फैक्ट्रीज ऑन लोअर वेजेस वेयरस लिबरल्स एंड रेडिकल्स, ठीक है, वर द फैक्ट्री ओनर्स, ठीक है ओनर्स, तो ये लिबरल्स रेडिकल्स जो थे तो ये फैक्ट्री ओनर्स भी थे, ठीक है। अब क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट तो यही लोग थे ना, खास करके जैसे लिबरल्स जो थे मिडिल क्लास के लिबरल्स थे जो प्रॉस्परस हुए, ठीक, तो ये लोग ये चाहते भी थे कि इनकी स्थिति सुधारी जाए, और इंडस्ट्रीज एंड कुछ कुछ इसमें हेडिंग गड़बड़ हो गई, इंडस्ट्रियल सोसाइटी होगा, रियल इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, ठीक है। तो वो चाहते थे कि चीजों में बदलाव आए, ठीक है, वो चाहते थे कि चीजों में बदलाव आए, कौन, लिबरल्स और रेडिकल्स, क्योंकि स्थिति ठीक नहीं थी, ठीक है। तो वेयर लिबरल्स एंड रेडिकल्स हुवर फैक्ट्री ओनर्स आया, कंसीडर दैट वर्कर्स एफर्ट्स मस्ट बी एनकरेज्ड, ठीक है, तो फैक्ट्रीज वर देयर, ठीक है, फैक्ट्रीज वर देयर कमिंग अप, लेकिन स्थिति उतनी सही नहीं थी। तो जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे वो ये चाहते भी थे कि स्थिति में सुधार आए, चीजें बदले, और जो फैक्ट्री में जो वर्कर्स हैं उनके एफर्ट्स को एनकरेज किया जाए। और इसी के चलते आपको क्या देखने को मिलता है कि लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स, ये सारे लोग इकट्ठे हुए और किसके अगेंस्ट में, इन लोगों ने आवाज उठाना चालू करी जो फैक्ट्री ओनर्स थे जो चीजों को सुधारना नहीं चाहते थे, खास करके कंजर्वेटिव जो थे, ठीक है। तो नेशनलिस्ट, लिबरल्स एंड रेडिकल्स वॉन्टेड रेवोल्यूशन टू पुट एन एंड टू द काइंड ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन यूरोप आफ्टर 1815 वाला पॉइंट ध्यान रखना, क्लास 10th में तुम्हें फिर याद आएगी इस चीज की। क्या होता है ना कि यूरोप में जो बदलाव आ रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, वो सारे बदलाव पे एक समय के लिए ग्रहण लग जाता है 1815 में। 1815 में वापिस कंजर्वेटिव्स एक बार पावर में आ जाते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि अब जो लिबरल्स, रेडिकल्स और नेशनलिस्ट थे वो ये चाहते थे कि फिर से एक बार क्रांति उठे, फिर से एक बार रेवोल्यूशन आए, और जो गवर्नमेंट कंजर्वेटिव्स की एक बार हट गई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से 1789 में, वो वापिस आ गई थी 1815 में। तो 1815 के बाद वो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट फिर से क्या हो, वो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जो है वो फिर से हटे 1815 में जो एस्टैब्लिश हुई थी ना उसको। तो इस तरह से क्या है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो सोशल चेंज आ रहे थे, जहां पे वर्कर्स जो थे वो फोरफ्रंट में आ रहे थे, और वर्कर्स वर मूव्ड बाय द आइडियाज ऑफ लिबरल्स, रेडिकल्स, ठीक है, दे वांटेड रेवोल्यूशन, दे वांटेड अ रेवोल्यूशन सो दैट द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड आफ्टर 1815
कैन बी ओवरथ्रोन वंस अगेन। ठीक है, तो अब यहां तक आपको चीजें समझना होगी कि सोसाइटी क्या थी, लिबरल्स कौन थे, रेडिकल्स कौन थे, कंजर्वेटिव्स कौन थे और किस तरह का माहौल बना हुआ था। यहां तक क्लियर है? ठीक है, समझ में आया यहां तक क्या हो रहा है? चैट में अलग ही दुनिया चल रही है। एक आपकी बॉडी बहुत क्या खतरनाक है ओपी सर, मसल देंगे यहां तुम्हें, पढ़ा लिखा चुपचाप चलो। क्लियर है? ओके, अभी तक आप 25 बार ठीक है बोल चुके हैं। ठीक है, ठीक है, शुरू किया जाए तो आगे। अब क्या हो रहा है, तो अब यहां पे अगर जैसे आप देखेंगे कि सोसाइटी क्या थी वो आपको समझ आ गया, सोसाइटी क्या थी वो आपको समझ आ गया। अब अगर हम बात करें कि इस स्थिति में जहां पे चेंज चाह रहे थे लोग, सोशलिज्म कैसे इमर्ज हुआ, इस स्थिति में जहां पे लोग चेंज चाह रहे थे सोशलिज्म कैसे इमर्ज हुआ, तो सोशलिज्म इन यूरोप की अगर बात करें तो सोशलिज्म क्या है? एक आइडियोलॉजी। देखो सिंपल ब्रेक डाउन करो, जो व्यक्ति सोशलिज्म की आइडियोलॉजी में विश्वास रखता है उसे क्या कहेंगे? सोशलिस्ट। कम्युनिज्म एक आइडियोलॉजी है, जो उस आइडियोलॉजी में विश्वास रखेगा उस व्यक्ति को कहेंगे कम्युनिस्ट। नेशनलिज्म एक आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी में विश्वास रखने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? नेशनलिस्ट। ठीक है, तो सोशलिस्ट इज द पर्सन हु बिलीव इन द आइडिया ऑफ सोशलिज्म। फाइन, तो अब जैसे अगर आप देखोगे तो सोशलिज्म जो था, तो सोशलिज्म आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग ऑल दोज हु बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ सोशलिज्म वर नोन एज सोशलिस्ट एंड दे वर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो वी कैन से कि समवॉट अलाइंड विद रेडिकल्स, सोशलिस्ट जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। क्यों थे भैया? ठीक है, तो दे सॉ इट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द सोशल इल्स। उनका यह मानना था सोशलिस्ट लोगों का कि समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, समाज में जितनी भी परेशानियां हैं, समाज में जितनी भी समस्याएं हैं, उन सारी चीजों के पीछे, उन सारी चीजों के पीछे कारण किसका है? उन सारी चीजों के पीछे कारण है प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सोशल इल्स। जितनी भी समस्याएं, उन सारी समस्याओं का कारण प्राइवेट प्रॉपर्टी है। क्यों प्राइवेट प्रॉपर्टी कैसे हो गई? तो सिंपल सी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको। सोशलिस्ट ऐसे देखते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेटेड है। अब जो कुछ लोगों के हाथ में प्रॉपर्टी कंसंट्रेटेड है तो हो क्या रहा है कि वो प्रॉपर्टी सिर्फ उनके उससे नहीं आई है, प्रॉपर्टी जो आई है तो वो क्या है? सोसाइटी ने जनरेट करी है। ठीक है, रिसोर्सेज आर डेवलप्ड सोशली, सारे लोग समाज में एक साथ मिलकर काम करते तब समाज ग्रो करता है। लेकिन कुछ ही लोगों के हाथ में पैसा होता है, कुछ लोगों के हाथ में पैसा नहीं होता है, एंड दिस लीड्स टू व्हाट? दिस लीड्स टू सोशल प्रॉब्लम्स। इसी के कारण चोरी है, इसी के कारण क्या है मर्डर है, इसी के कारण सारी समस्याएं हैं। ठीक है, तो यहां पे सोशलिस्ट क्या चाहते थे? सोशलिस्ट इसीलिए चाहते थे, देयरफॉर सोसाइटी एज ए होल शुड कंट्रोल द प्रॉपर्टी सो दैट मोर अटेंशन वुड बी पेड टू द कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। और जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसंट्रेशन होता था तो जिसकी प्रॉपर्टी रहती थी वो आदमी सिर्फ अपने बारे में सोचता था। इससे क्या होता था? इससे समाज का भला नहीं होता था, इससे समाज का भला नहीं होता था। तो सोशलिस्ट का यह मानना था कि सोसाइटी एज ए होल शुड कंट्रोल द रिसोर्सेस। क्यों? क्योंकि इससे सोसाइटी के कलेक्टिव इंटरेस्ट के बारे में सोचा जा सकता है। समझ गए यहां तक? ठीक है, तो How could a society without property operate? अब समाज ये था कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेगी तो फिर कोई भी आदमी काम क्यों करेगा? प्राइवेट प्रॉपर्टी के एब्सेंस में समाज कैसे आगे बढ़ेगा? ठीक है, तो हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट? तो यहां पे आर्ग्यूमेंट दिया क्या कि जैसे कुछ जो सोशलिस्ट थिंकर्स थे उन लोगों ने अपना आइडिया प्रेजेंट किया। रॉबर्ट ओवेन वॉज वन सच पर्सन। ठीक है, रॉबर्ट ओवेन ने क्या किया? ही सॉट टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी, जहां पर उन्होंने क्या बोला कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रखेंगे, सारे लोग एक साथ आएंगे, एक साथ मिलकर काम करेंगे और जिसका जितना जितना एफर्ट रहेगा उसको उतना उतना क्या कर दिया जाएगा? रिसोर्सेज बांट के दे दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे उन्होंने ही ट्राइड टू बिल्ड अ न्यू, मतलब ही ट्राइड टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी न्यू हार्मनी इन इंडियाना यूएसए। ठीक है, थ्रू कलेक्टिव इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स, की सारे इंडिविजुअल्स एक साथ आए काम करें और कोई की प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी की नहीं होगी, सारे इंडिविजुअल्स में रिसोर्सेज बांट दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये रॉबर्ट ओवेन ने एक आइडिया दिया। तो अब क्वेश्चन बनता है यहां पे, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म? ठीक है, तो आप बताएंगे कि सोशलिस्ट बिलीव दैट प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द इल्स इन द सोसाइटी, सो देयर शुड नॉट बी द कंसंट्रेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ यू। सोसाइटी एज अ होल शुड कंट्रोल द रिसोर्सेज सो दैट द बेटर प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ
सोशल लाइफ कैन बी टेकन केयर ऑफ. ठीक है, तो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सोशलिज्म, सोशलिज्म एंड हु वर द प्रोपोनेंट्स ऑफ सोशलिज्म. तो आप रॉबर्ट ओवन का एक नाम लिख देंगे कि इन्होंने बोला कि इंडिविजुअल इनिशिएटिव से सोसाइटी आगे बढ़ाई जाए. रॉबर्ट ओवन के बाद में आप देखेंगे लुईस ब्लैंक. ठीक है, तो लुईस ब्लैंक भी क्या थे, एक सोशलिस्ट थिंकर थे, जिन्होंने क्या आइडिया दिया, उन्होंने बोला ही सपोर्ट गवर्नमेंट एनकरेज कोऑपरेटिव्स टू रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज. इन्होंने इंडिविजुअल इनिशिएटिव की बात करी रॉबर्ट ओवन ने, और लुईस ब्लैंक ने क्या बोला कि इंडिविजुअल इनिशिएटिव से आप कोऑपरेट करके काम तो चला लोगे, लेकिन आपको सारी चीजें कंट्रोल करने के लिए एक सरकार भी चाहिए रहेगी. तो उन्होंने बोला कि सोशलिस्ट गवर्नमेंट ही होना चाहिए जहां पे गवर्नमेंट क्या करे, ही सपोर्टेड द गवर्नमेंट एनकरेज कोऑपरेटिव्स. गवर्नमेंट एनकरेज कोऑपरेटिव्स हो कि गवर्नमेंट ध्यान रखे, मतलब ऐसा है कि गवर्नमेंट वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी, सही से काम करो इस तरह से, और फिर कोऑपरेटिव चलेंगे. और जो कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज है, मतलब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसको एलिमिनेट कर देंगे. लुईस ब्लैंक ने आइडिया दिया बाद में. ठीक है, जैसे आप देखेंगे तो गवर्नमेंट शुड बी देयर टू फैसिलिटेट दी कोऑपरेटिव्स, सारे कामों को करवाने के लिए गवर्नमेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल इनिशिएटिव से शायद ना हो पाए. ठीक है, बाद में क्या होता है, बाद में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, दोस्त ठीक है, जय वीरू. तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जो थे ना, दे फर्दर एडेड ऑन द आइडिया ऑफ सोशलिज्म. तो इस तरह से सोशलिज्म का आइडिया ऑलरेडी किसने दे दिया, लुईस ब्लैंक ने दे दिया, रॉबर्ट ओवन ने सोशलिज्म के आइडिया को एक आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन प्रोवाइड कर दी. ठीक है, इन्हीं आइडियाज पे बिल्डअप किया, इन्हीं आइडियाज पे बिल्डअप किया किसने, ठीक है, इन्हीं आइडियाज पे बिल्डअप किया कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने. उन्होंने कैपिटलिज्म को गलत ठहराते हुए बोला कि कैपिटलिज्म इज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स. कैपिटलिज्म में क्या हो रहा है, वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. किसने कहा, कार्ल मार्क्स ने और फ्रेडरिक एंगल्स ने. क्यों कहा, अब वो समझाता हूं मैं आपको. ठीक है, तो अब आपको ये देखना होगा कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के क्या आइडिया है, हु वाज कार्ल मार्क्स, व्हाट वर हिज आइडियाज. तो कार्ल मार्क्स जो थे, तो ही गेव द आइडिया दैट कैपिटलिज्म जो है, कैपिटलिज्म एज एन इकोनॉमिक सिस्टम इज बाय डिफॉल्ट फेल, या फिर फेलियर इन इटसेल्फ, बिकॉज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर इज टेकिंग प्लेस इन द नेम ऑफ कैपिटलिज्म. कैसे, तो उन्होंने बताया, मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको कैसे. ठीक है, तो कार्ल मार्क्स बिलीव्ड कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो एक इंडिविजुअल ओन करता है. अब वो उस इंडिविजुअल के द्वारा ओनरशिप प्राइवेट प्रॉपर्टी की उस व्यक्ति के पास में है, लेकिन उस ओनरशिप के साथ साथ में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तब उसको प्रॉफिट होता है. मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी. मतलब मार्क्स ने बोला क्या कि प्रॉफिट जो है, तो प्रॉफिट इज द एफर्ट ऑफ कम्युनिटी, या फिर कह सकते हैं वर्कर्स ने मेहनत करी तब प्रॉफिट हुआ, बट द प्रॉफिट इज टेकन बाय द कैपिटलिस्ट. ठीक है, इसके चलते क्या होता है, वर्कर्स का तो एक्सप्लॉयटेशन हो गया, तो कार्ल मार्क्स का क्या मानना था कि वर्कर्स को अपने एक्सप्लॉयटेशन से अगर फ्री होना है तो वर्कर्स को क्या करना पड़ेगा, वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी. वर्कर्स को एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाना होगी जहां पे सारी प्रॉपर्टी वर्कर्स खुद कंट्रोल करेंगे. ठीक है, और इस तरह की एक रेडिकल सोसाइटी जहां बनेगी, जहां पे वर्कर्स क्या करेंगे, रेवोल्यूशन लाएंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी को हटाएंगे और सारी पावर अपने हाथ में ले लेंगे, इस तरह की सोसाइटी को आप कम्युनिस्ट सोसाइटी कहेंगे. इस तरह की सोसाइटी को आप क्या कहेंगे, एक कम्युनिस्ट सोसाइटी कहेंगे. ठीक है, तो कार्ल मार्क्स वॉज फेवरिंग, या फिर वॉज सपोर्टिंग द आइडिया ऑफ अ कम्युनिस्ट सोसाइटी. अब सुनो, यहां पे कंफ्यूजन होता है, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट में क्या डिफरेंस है, सोशलिज्म और कम्युनिज्म में. तो समझना, सोशलिज्म इज द बेस, आइडियोलॉजिकल बेस फॉर कॉमन ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस. ठीक है, और उसी आइडियोलॉजिकल बेस को जब और बिल्डअप किया बाय कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, एंड विच गेव द एक्सट्रीम फॉर्म टू द सोशल ओनरशिप वेयर द वर्कर्स विल टेक ओवर द रिसोर्सेज, इज नोन एज कम्युनिज्म. कम्युनिज्म क्या है, सोशलिज्म का ही और एडवांस्ड फॉर्म है, रेडिकल फॉर्म है, ध्यान रहेगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा कहां तक का पार्ट. देखो, चैप्टर पहला जो था सोशलिज्म इन यूरोप, ये लास्ट टॉपिक के बाद में चैप्टर कंप्लीट हो रहा है हमारा. ठीक है, मतलब चैप्टर का एक पार्ट, हमने दो पार्ट में तोड़ दिया था ना चैप्टर को. सोशलिज्म इन यूरोप में हमने क्या देखा कि यूरोप में डिफरेंट ग्रुप्स थे, इंडस्ट्रियल चेंज हुआ. ठीक है, इंडस्ट्रियल एंड सोशल चेंज आपको देखने को मिला. ठीक है, तो इंडस्ट्रियल और सोशल चेंज के चलते लोगों का माइंडसेट बदल रहा था, पीपल वर एक्सपेक्टिंग अ रिवॉल्ट, अ रेवोल्यूशन. ठीक है, कि एक बदलाव आना चाहिए, और उस बदलाव में सोशलिज्म का आइडिया इमर्ज हुआ. सोशलिज्म का आइडिया क्या था, चार प्रोपोनेंट्स, फ्रेडरिक एंगल, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन और लुईस ब्लैंक, इन चारों के आइडियाज बता दिए. अब आइडियोलॉजिकल बेस तो मिल गया,
आइडियोलॉजिकल बेस तो मिल गया, अब आगे बात करते हैं, आइडियोलॉजिकल बेस तो मिल गया, अब आगे बात करते हैं हम किस चीज की, अब आगे बात करते हैं सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, सोशलिज्म के लिए सपोर्ट कैसे बढ़ा और कब बढ़ा, ठीक है, सोशलिज्म के लिए सपोर्ट कैसे बढ़ा और कब बढ़ा, ये वाला पार्ट पढ़ते हैं। तो आप जैसे देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड जितने भी सोशलिस्ट थिंकर्स थे उन लोगों ने सेकेंड इंटरनेशनल बनाया, ठीक है, सोशलिस्ट फॉर्म एन इंटरनेशनल बॉडी टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट, ठीक है, तो जैसे वर्ल्ड वाइड उस समय कैपिटलिज्म का आइडिया डोमिनेट कर रहा था, तो सारे सोशलिस्ट थिंकर्स ने एक सेकेंड इंटरनेशनल नाम से क्या बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ ऑल द सोशलिस्ट अराउंड द वर्ल्ड। जर्मनी में जैसे अगर आप देखेंगे तो एसोसिएशंस वर्कड क्लोजली विद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एसपीडी एंड हेल्प इट विन पार्लियामेंट्री सीट्स। जर्मनी में एसपीडी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनी। ब्रिटेन में आप देखेंगे तो 1905 तक सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट जो थे उन्होंने लेबर पार्टी बना ली, ठीक है। फिर आप देखोगे फ्रांस में तो सोशलिस्ट पार्टी बनाई गई फ्रांस में भी, ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म्ड बाय सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि सोशलिज्म जो है तो उसका सपोर्ट बढ़ता चले गया, ठीक है, उस तरह से सपोर्ट फॉर सोशलिज्म इंक्रीज्ड इन ऑल ओवर द यूरोप, ऑल ओवर द यूरोप। लेकिन आप जैसे देखेंगे ना तो एक लंबे समय तक अभी सरकार नहीं बनी थी किसी की, तो सोशलिज्म और सोशलिस्ट जो लोग थे जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी में विश्वास रखते थे, तो ठीक है, टिल 1914 सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग गवर्नमेंट इन यूरोप, सरकार नहीं बनी किसी की। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो क्या है कि एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जस्ट कि आम आदमी पार्टी की अभी तक नहीं, आम आदमी पार्टी की भी सरकार बन गई, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी उठाओ जिसकी कोई सरकार नहीं बनी अभी तक, ठीक है, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी जब पार्टी बन गई है उसके कार्यकर्ता हो गए तो कहीं ना कहीं लोगों की थॉट प्रोसेस को, थिंकिंग को, सोच को तो बदलाव दे रहे हैं ना, शेप दे ही रहे हैं। तो रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रॉन्ग फिगर इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स डिस्पाइट द फैक्ट कि सरकार ना बन रही हो, देयर आइडियाज डिड शेप लेजिस्लेशन बट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी रन बाय द कंजर्वेटिव्स लिबरल्स एंड रेडिकल्स। तो कंजर्वेटिव लिबरल्स या रेडिकल्स सरकारें चला रहे थे जरूर, लेकिन उनके विचार को कहीं ना कहीं मॉडिफाई करने में या फिर लोगों को एक और नया पर्सपेक्टिव सोचने का मौका देने में सोशलिस्ट कहीं पीछे नहीं हट रहे थे, ठीक है, नेक टू नेक लड़ रहे थे वो। तो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। बताओ यहां तक चीजें समझ में आई, बताओ फटाफट से तेजी से, ठीक है। पोल आएगा एक, राइट टू वोट, ठीक है, फॉर ऑल, इसके सपोर्टर कौन थे, ए बी सी डी, ठीक है, ए में आ गए लिबरल्स, ठीक है, बी में आ गए रेडिकल्स, सी में आ गए कंजर्वेटिव्स और डी में आ गए नन ऑफ द अबव। बताओ, और कोई डाउट हो तो पूछो। सर, हु इज गुज़िपी मज़ीनी, 2 marks क्वेश्चन। देखो, गुज़िपी मज़ीनी वॉज वन ऑफ द रेवोल्यूशनरी हु कैंपेन्ड फॉर द चेंज इन द सोसाइटी विच वॉज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर 1815। ही वॉज एन इटालियन रेवोल्यूशनरी। क्लास 9th में इतना ही ध्यान रखना है आपको, इटालियन रेवोल्यूशनरी थे हु कैंपेन्ड फॉर द चेंज इन सोसाइटी आफ्टर 1815। जो पार्ट है ना इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, वहां पे लास्ट में ऊपर की तरफ दिया है एनसीईआरटी में। मतलब ये जो आपका टॉपिक है सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, नहीं, हाँ सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, नहीं सपोर्ट फॉर सोशलिज्म भी नहीं, कौन सा, ये जो टॉपिक है सोशलिज्म वाला टॉपिक है जहां पे सोशलिज्म के आइडिया को एक्सप्लेन किया गया, उस पेज पे सबसे ऊपर की लाइन में गुज़िपी मज़ीनी का नाम है, ठीक है। देखो, कम्युनलिज्म तो धर्म के आधार पर जब आप लोगों को क्या करते हो, मूव करवाते हो, तो वो कम्युनलिज्म होता है, और सोशलिज्म तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी की ओनरशिप जो रहती है वो इंडिविजुअल के हाथ में रहते हो, सोसाइटी के हाथ में रहे। रेडिकल्स, बी इज द राइट आंसर, वेरी गुड, ठीक है, बी रेडिकल्स इज द राइट आंसर। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, तो 82% बच्चों ने सही आंसर दिया, ठीक है। कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट में डिफरेंस ये है कि सोशलिस्ट जो है, जो सोशलिज्म के आइडिया का बेस है उसमें विश्वास रखते हैं, सोशलिस्ट हो गए, और जो उसके एक्सट्रीम फॉर्म में जहां पे वर्कर्स टुक ओवर कर ले, प्राइवेट प्रॉपर्टी छुड़ा ले, वो कम्युनिस्ट होता है, कार्ल मार्क्स का आइडिया। आज आप ठीक है, ठीक है, बोलकर नहीं भी ठीक होगा, उसे भी ठीक कर दिए होंगे, ठीक है, ठीक है, चलो, वेटिंग फॉर माय रिप्लाई। हाय पलक, क्या चाहिए तुम्हें रिप्लाई में बताओ। कोऑपरेटिव्स मतलब क्या है, कि लोग एक साथ काम करके
ग्रो कर रहे हैं, वो कोऑपरेटिव्स हो गए। ठीक, जर्मन में एसपीडी वाला समझा दो। जर्मन में एसपीडी पावर रेंजर्स, देखा है तुमने एसपीडी पावर रेंजर्स? ठीक है, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो है, तो ये सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो है ये जर्मनी में, जैसे मैंने बताया ना कि सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, सब सोशलिज्म के लिए सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है, तो सोशलिज्म के लिए जब सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है तो उसमें जर्मनी में आप ये देखेंगे सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनी। ब्रिटेन में जैसे अगर आप देखेंगे तो क्या बन रहा है, ब्रिटेन में लेबर पार्टी बनी, सोशलिस्ट पार्टी बनी फ्रांस में। तो जगह जगह क्या है, सोशलिज्म के सपोर्ट में प्रयास किए जा रहे हैं, ये वो दर्शाया जा रहा है। ठीक है, आ जाओ अब आते हैं रशियन रेवोल्यूशन पे, द रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, द रशियन रेवोल्यूशन। तो अब जैसे अगर हम यहां देखें आगे, तो क्या हो रहा है ना कि आइडिया जो मैंने आपको दिया सोशलिज्म का, वो एक विचारधारा है, और उस विचारधारा को रशिया की धरा पे उतार दिया गया था। मतलब रशिया बिकेम द लैबरेट फॉर द एक्सपेरिमेंट विच वॉज सोशलिज्म। वाह वाह, ठीक है, तो रशिया में उसको रियलिटी में कन्वर्ट किया गया, जो थॉट था उस थॉट को रियलिटी दिया, बनाया गया। चैप्टर का एक पार्ट हमने देख लिया, देखो अभी तक जितना पढ़ा वो अपनी जगह है, अब यहां से एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, द रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, कुछ बच्चों की स्कूल में हो सकता है शायद ऐसा हो रहा हो कि वो सिर्फ उतना ही पार्ट आ रहा हो, तो सबकी अलग अलग कहानी है, तो समझ लेना आपके स्कूल वाले क्या कर रहे हैं। ठीक है, ब्लडी संडे पे भी आ रहे हैं बाबू, तो अब इधर ध्यान दो बस, अब देख लिए मेरा डाउट, अब एक ब्रेक लेंगे जब बात करेंगे। तो क्या रहा थी, फॉल ऑफ मोनार्की इन फरवरी 1917 एंड द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रेवोल्यूशन। रशिया में क्या है, रशिया आदि अनंत काल से रशिया में मोनार्की सिस्टम चला आ रहा है। ठीक है, 1917 में क्या होता है, 1917 में जैसे अगर आप देखेंगे तो मोनार्की जो थी ना, जो सार था, सार यानी कि राजा वहां का, तो सार निकोलस को अपनी गादी छोड़ना पड़ती है, सार निकोलस से बोलते हैं सिंहासन छोड़ो की जनता आती है। ठीक है, तो वो मोनार्की का फॉल हुआ, और उस मोनार्की के फॉल के बाद में अक्टूबर रेवोल्यूशन भी आता है। तो ये जो पूरे इवेंट है मोनार्की की फॉल से लगा के अक्टूबर, ठीक है, मतलब मोनार्की के फॉल से लगा के अक्टूबर तक के जो पूरे इवेंट्स हैं, तो इन सारे इवेंट्स को क्यूमुलेटिवली, इन सारे इवेंट्स को इकट्ठा करके रशियन रेवोल्यूशन कहा गया। ठीक है, तो ये रशियन रेवोल्यूशन हमें पूरा चैप्टर में पढ़ना है, शुरू करते हैं यहां से कहानी। ठीक है, सबसे पहले ज्योग्राफी, इकोनॉमी और सोसाइटी समझे। तो ज्योग्राफिकली रशिया क्या है, जैसे अगर आप देखोगे तो ये अगर इंडिया है, तो इंडिया से अगर जैसे आप ऊपर ऊपर चले जाओगे ग्लोब पे और, ठीक है, मतलब इंडिया ये रहा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये इंडिया है, तो इंडिया से अगर और ऊपर चले जाओगे तो यहाँ पे आपको एक बड़ा सा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन के साथ में कंट्री मिलता है, वो आज रशिया के नाम से जाना जाता है। उस समय पे जैसे अगर आप देखेंगे तो और भी जो नेबरिंग कंट्रीज है, लातविया, लुथीनिया, ठीक है, बेलारूस, इन सारी कंट्रीज को, किर्गिस्तान वगैरह, इन सारी कंट्रीज को मिलके उस समय का रशियन एम्पायर फैला हुआ था। अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी डोमिनेट करती थी, बुद्धिस्ट भी थे, मुस्लिम्स भी थे, सभी लोग थे। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी बता दी मैंने आपको। अगर हम बात करें तो इकोनॉमी ऐसी थी कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल वर एग्रीकल्चरलिस्ट। ठीक है, इंडस्ट्रीज थी लेकिन बहुत कम थी, दे वर फाउंड इन पॉकेट्स, और प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया थे सेंट पीटरबर्ग से लगा के मॉस्को तक। ठीक है, सेंट पीटरबर्ग से लगा के मॉस्को तक, ये सारे के सारे नोट सब ले जाना, अभी सिर्फ ध्यान दो इधर, सारा नोट दे दूंगा, एस्टोनिया भी था, वेरी गुड। हाँ ठीक है, 11वीं 12वीं फिर से पढ़ाओ, सब पढ़ा दूंगा, जरा अभी जो अभी सामने हाथ में काम है वो निपटा लेने दो, सब पढ़ा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मोस्ट इंडस्ट्री वॉज दी प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, अधिकतर जो इंडस्ट्रीज थी, सो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज वर प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रीज जो थी तो वो कम थी, लेकिन जितनी थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। ठीक है, अब क्या होता था कि छोटे छोटे क्राफ्ट यूनिट, वर्कशॉप्स वगैरह चला करते थे, लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि इन इंडस्ट्रीज में वर्किंग आवर्स बहुत बड़े बड़े होते थे, 15-15 घंटे काम करना पड़ता था। ठीक है, 15-15 घंटे काम करना पड़ता था। अकोमोडेशन जो था, तो वर्कर्स छोटी छोटी डॉर्मेटरीज में रहते थे, सोने के लिए सिर्फ एक बिस्तर होता था, इस तरह से, तो बड़ा कठिन जीवन था, बड़ा कठिन जीवन था। ठीक है, वर्कर्स जो थे ना, तो वर्कर्स भी क्या थे, वर्कर्स भी सारे वर्कर्स डिवाइडेड थे अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। जो मेटल वर्कर होते थे उन्हें एरिस्टोक्रेट्स ऑफ वर्कर कहा जाता था, क्योंकि उनकी वैल्यू ज्यादा थी मेटल वर्कर्स की। ठीक है, तो मेटल वर्कर ऑफ सेंट पीटरबर्ग रिकॉल्ड मेटल वर्कर्स कंसिडर्ड देमसेल्फ एरिस्टोक्रेट्स अमंग अदर वर्कर्स। दूसरे वर्कर्स भी थे। ठीक है, अब काम क्या होता था, काम जो होता था तो उस काम में भी आप देखेंगे तो वुमेन भी काम कर रही थी, वुमेन काम कर रही थी, लेकिन वुमेन वर नॉट इक्वली पेड। तो इस तरह की सोसाइटी जो थी स्ट्रेटा में बटी हुई थी। इनफैक्ट अब क्या होता था, कभी कभी वर्कर्स जैसे इतने डिवाइडेड थे, लेकिन जब भी स्ट्राइक करने की बारी आती थी या फिर एक साथ
काम करने की बारी आती थी, किसी अपनी डिमांड को मनवाने की बारी आती थी, तो वो प्रोटेस्ट में खड़े हो जाते थे। तो डिस्पाइट डिविजन्स वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क, ठीक है, स्टॉप वर्क व्हेन दे डिसएग्री विद एम्प्लॉयर्स अबाउट डिसमिसल ऑफ और वर्क कंडीशंस, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्राइक करने की बात आती थी तो संगठन में शक्ति बना लेते थे वो। तो ये तो आपने क्या देख लिया, वहां की इकोनॉमी, वहां की सोसाइटी देख ली शहरों में। गांव में क्या स्थिति थी, तो अगर गांव की बात करें तो इकोनॉमी एंड सोसाइटी इन कंट्री साइड, तो गांव में कैसी स्थिति थी कि पीजेंट्स जो थे तो अधिकतर जमीन पे खेती करते थे, पीजेंट्स कल्टीवेटेड द लैंड, ठीक है। लेकिन जो लैंड जो ओन करने वाली वो थी कम्युनिटी, वो थी नोबेलिटी, ठीक है। तो नोबेलिटी की अगर जैसे हम बात करें, नोबेलिटी मतलब रूलिंग क्लास के वो जो लोग थे, ठीक है। तो बट द नोबेलिटी द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन द लार्ज प्रॉपर्टीज, तो खेती कर रहे थे कौन, पीजेंट्स, लेकिन वो खेत के मालिक अधिकतर कौन थे, नोबेलिटी, क्राउन मतलब राजा, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स चर्च एंड दे ओन द लार्ज प्रॉपर्टीज, तो अधिकतर जमीनें उनके पास हुआ करती थी। और अब होता क्या था कि जो किसान खेती कर रहा था तो ये चाहता था कि जब मेहनत में कर रहा हूं, पसीना में बहा रहा हूं, सिर में लड़ा रहा हूं, तो इसका कंट्रोल भी मेरे पास होना चाहिए। तो इसीलिए वहां के पीजेंट्स क्या चाहते थे कि नोबल्स की लैंड पीजेंट्स को मिल जाए, और इसी के चलते वो पीजेंट्स की रिस्पेक्ट, वो पीजेंट्स जो थे वो नोबल्स की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, समझ रहे हो, ठीक है। तो दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर नोबेलिटी, कौन, पीजेंट्स की, पीजेंट्स जो थे वो नोबेलिटी की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, ठीक है, रूलिंग क्लास के लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते थे। क्यों, क्योंकि यहां पे नोबल्स के पास जो पावर पोजीशन लैंड थी ना, वो दे गॉट थ्रू द सर्विस टू द सार, नॉट थ्रू द लोकल पॉपुलरिटी। तो लोकल पॉपुलेशन यहां के पीजेंट्स को पसंद नहीं, मतलब यहां के जो पीजेंट्स थे वो नोबल्स को पसंद नहीं करते थे, ठीक है, अनलाइक अदर नोबल्स इन दी रेस्ट ऑफ द यूरोप। रेस्ट ऑफ द यूरोप में फिर भी क्या है कि वो रिस्पेक्ट करते थे नोबल्स की, कौन, पीजेंट्स, लेकिन यहां तो वो पीजेंट्स चाहते थे कि नोबल्स की जमीन हमें मिल जाए, दे वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम, ठीक है। साथ ही साथ क्या है कि रशियन पीजेंट्स की एक विशेषता ये थी कि वो सारे रशियन पीजेंट्स एक साथ आके खेती करते थे, ठीक है, तो दे पूल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियोडिकली, ठीक है, एंड देयर कम्यून मीर, ठीक है, तो पूरा सब जमीन एक साथ मिला के खेती करते थे और जो प्रोड्यूस होता था उसको बांट लेते थे, ठीक है, इंडिविजुअल फैमिलीज के हिसाब से। तो कुछ लोगों को लगता था कि ये नेचुरली सोशलिस्ट है और अगर रेवोल्यूशन आएगा तो पीजेंट्स ही लेके आएंगे, ऐसा माना जाता था, ठीक है, ऐसा माना जाता था। अब सोशलिज्म आता कैसे है, कहां पे, रशिया में, मनी प्लस पावर इज इक्वल टू नोबल, हाँ जी बिल्कुल, क्या हो गया राजवीर सिंह, आंसर राइटिंग पे एक सीरीज बनाई है मैंने पूरी की पूरी बाबू, वो आप देख सकते हो, लिबरल्स भी प्रॉपर्टीड मैन, क्या 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 क्वेश्चन निकल गया, लिबरल्स भी प्रॉपर्टीड मैन थे क्या, जी हाँ, क्योंकि इसीलिए प्रॉपर्टीड मैन थे तभी तो वो चाहते थे कि राइट टू वोट उनको ही मिले, प्रॉपर्टीड मैन को ही, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एरिस्टोक्रेट्स मतलब रूलिंग क्लास के लोग, एरिस्टोक्रेट्स, नोबल्स, दीज आर दी वर्ड्स फॉर दी पीपल हु बिलोंग टू दी अपर स्ट्रेटा ऑफ दी सोसाइटी, रूलिंग क्लास के लोग, ठीक है। अब आ जाओ क्या, तो रशिया की स्थिति मैंने आपको बता दी, वहां की इकोनॉमी, सोसाइटी, ज्योग्राफी। अब रशिया में सोशलिज्म का सपोर्ट कैसे बढ़ता चला गया, रशिया में 1914 से पहले सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलीगल थी, मतलब आप पॉलिटिकल पार्टीज खुले आम नहीं बना सकते थे, तो छुप छुप के बनाते थे लोग, फाइन, जैसे आपको बोल दिया कि आप इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं चलाओगे, घर वालों ने बोल दिया, तो आप क्या करते हो, एक फेक अकाउंट बनाते हो जिसका नाम सिर्फ आपको पता है और आपके 2, 4, 5, 6, 10 दोस्त को पता है जिनको आप मीम शेयर करते हो, ठीक है, तो क्या है, चुप चुप के काम करते हैं। तो अब यहां जैसे देखिए तो क्या हो रहा है कि सोशलिज्म इन रशिया जो है, तो पॉलिटिकल पार्टीज इलीगल थी रशिया में बिफोर 1914, तो इसी के चलते क्या है, जैसे जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी एक पार्टी बनाई थी 1898 में, किसके द्वारा, सोशलिस्ट के द्वारा, जो कार्ल मार्क्स के आइडिया की रिस्पेक्ट करते थे, ये वर्कर्स के द्वारा बनाई गई, तो एक इलीगल पार्टी एक तरह से चुपचाप चुपचाप बना ली, ठीक है। अब दूसरा अगर जैसे हम देखें तो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज फॉर्म दी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900, जो पीजेंट्स थे, तो ये वर्कर्स ने, ये इंडस्ट्रियल वर्कर ने बनाई ये वाली पार्टी, ठीक है, और ये जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स ने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बनाई, ठीक है। दिस पार्टी स्ट्रगल्ड फॉर पीजेंट्स राइट एंड डिमांडेड दैट लैंड बिलोंगिंग टू नोबल्स शुड बी ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट्स, और ये जो पार्टी थी, ये पार्टी क्या चाहती थी कि किसानों के द्वारा बनाई गई, तो चाहती थी कि जमीन जो है वो किसको मिल जाए, किसानों को मिल जाए, ठीक है। तो दो ऐसी पार्टीज बनी, उन दोनों पार्टीज का ऑब्जेक्टिव क्या था कि सोशलिस्ट आइडियाज जो उन लाइंस पे चल के प्रॉपर्टी का कॉमन ओनरशिप होना चाहिए, फाइन। तो सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्री विद सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज अबाउट द पीजेंट्स,
अब क्या हो रहा है ना, तो जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे, जो पीजेंट्स की पार्टी थी, पीजेंट्स की पार्टी का ये मानना था जो मैंने आपको बताया कि पीजेंट्स तो नेचुरली सोशलिस्ट है, अपनी जमीन जोड़ के खेती कर रहे हैं, तो अगर रेवोल्यूशन आएगा तो यही लोग लाएंगे, ठीक है। सोशल डेमोक्रेट्स का मानना था नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि पीजेंट्स भी अपने आप में लैंडलेस पीजेंट्स, स्मॉल पीजेंट्स, रिच पीजेंट्स, इनमें डिवाइडेड है, तो वो खेती जरूर साथ मिलकर कर रहे हो, इससे वो सोशलिज्म या फिर सोशलिस्ट नहीं बन जाएंगे, रेवोल्यूशन नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि दे आर डिवाइडेड अमंग देमसेल्फ, ठीक है। तो इनके बीच में आपस में भी कंफ्लिक्ट था। अब जैसे अगर आप देखेंगे ना, तो ये जो सोशलिस्ट सोशल डेमोक्रेट्स थे, तो सोशल डेमोक्रेट्स में भी क्या है, दो तरह के लोग थे। एक थे जो चाहते थे कि पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल, जितने लोग आना है उतने लोग आ जाएं, और दूसरे जो थे वो ये चाहते थे कि नहीं, पार्टी में क्वालिटी ऑफ मेन जो है, मेंबर्स जो है, उनको लिमिटेड रखा जाए, क्वालिटी पे फोकस किया जाए, ठीक है, क्वालिटी पे फोकस किया जाए। तो क्वालिटी पे फोकस किए जाने वाले लोग जो थे वो थे बोल्शेविक्स, ठीक है, और जो नंबर्स पे फोकस करने वाले थे वो थे मेंशेविक। तो व्लादिमीर लेनिन जो थे, जिन्होंने बोल्शेविक ग्रुप को लीड किया, उनका क्या मानना था कि रिप्रेसिव सोसाइटी लाइक सारिस्ट रशिया, द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन्ड एंड शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर। और वहीं पे मेंशेविक जो थे उनका ये मानना था नहीं, पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल। तो इस तरह से बोल्शेविक कौन थे, मेंशेविक कौन थे, क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, बोल्शेविक कौन थे, मेंशेविक कौन थे, क्वेश्चन आ जाता है। साथ ही साथ आप जैसे देखेंगे तो ये एक सवाल बन जाता है कि सपोर्ट फॉर सोशलिज्म रशिया में कैसे बढ़ा। यहां तक समझ में आया? व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे, मतलब जो क्या चाहते थे कि मेन नंबर ऑफ मेन जो उनको कंट्रोल किया जाए, डिसिप्लिन होना चाहिए, ऐसे पार्टी में बस ठूसो मत लोगों को, ठीक है। जूलियस मार्टोफ वॉज दी मैन हु मतलब कह सकते हैं हु हेडेड दी मेंशेविक ग्रुप। असर्शन रीजन की प्रैक्टिस करा दीजिए, करेंगे ना बाबू, जैसे आप देखते हो तो पोल सेशन में मैं असर्शन रीजन करवाता हूं आपको। कब तक चलेगा? आज, जब तक चैप्टर खत्म नहीं होगा। अभी क्या, आधा घंटा और मान के चलो, ठीक है, आधा घंटा तो हो ही, अभी आधे घंटे में फुस। अरे यार, फुंदी फटाका हो तुम। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, एक बार समझा दो दोबारा शॉर्ट में, ठीक है, आ जाओ रिकैप कर लेते हैं। एक पार्ट जो हमने चैप्टर का पढ़ा ना इधर, सोशलिज्म इन यूरोप, उसको बार बार रिकैप नहीं करेंगे। वो हमने शुरू करा यूरोप में कैसी सोसाइटी थी, लिबरल, रेडिकल, कंजर्वेटिव, इंडस्ट्रियल चेंज आ रहा था, तो उस इंडस्ट्रियल चेंज में हमने क्या देखने को मिलता हमें कि किस तरह से लोग बदलाव की उम्मीद कर रहे थे, और उस बदलाव में कहीं ना कहीं सोशलिज्म के आइडिया इमर्ज होते हैं। चार लोग कौन कौन थे, रॉबर्ट ओवेन, लुइस ब्लैंक, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल, इनके आइडियाज, और कैसे सपोर्ट फॉर सोशलिज्म जो है वो फ्लरिश हुआ। तो जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन में अलग अलग जगह पार्टीज बनी, सेकेंड इंटरनेशनल, दैट्स ऑल। रशियन रेवोल्यूशन हमने पढ़ना चालू किया, तो रशियन रेवोल्यूशन में हमने रशिया की ज्योग्राफी, सोसाइटी और इकोनॉमी को समझा। शहरों में कैसी सोसाइटी थी, एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी, इंडस्ट्रीज वर स्लो टू कम अप, लेकिन जो इंडस्ट्रीज आ रही थी तो वर्कर्स हाईली स्ट्रेटिफाइड थे, ठीक है। और गांव में जैसे देखेंगे तो जो नोबल्स थे उनकी रिस्पेक्ट नहीं थी, क्योंकि पीजेंट्स उनकी जमीन चाहते थे, वो देख लिया। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म इन रशिया कैसे बढ़ रहा था, तो मेंशेविक बोल्शेविक जो सोशल डेमोक्रेट्स थे उन्हीं के दो ब्रांच निकल के आए। सोशल डेमोक्रेट्स ने एक पार्टी बनाई थी और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज ने एक पार्टी बनाई थी, इतनी कहानी, ठीक है। नेचुरल सोशलिस्ट क्या होते थे वो मैं समझा रहा हूं, कि जो पीजेंट्स एक साथ जमीन जोड़ लेते थे, मीर बना के, कम्यून बना के खेती करते थे, तो लोगों को लगता था कि यार ये तो कॉमन ओनरशिप में नेचुरली विश्वास रख रहे हैं, आइडिया नहीं था उसके, पहले से ही काम करते आ रहे हैं, तो सोशलिज्म की भावना तो इनके अंदर नेचुरली है, ठीक है। आगे बढ़े, रिवर्स का मैप करवा दो। लास्ट डे हमारा जो रहेगा तो उस दिन ड्रेनेज चैप्टर है, तो उसका मैप करेंगे हम। अब आ जाओ दी ट्रिबुलेंट टाइम। अब भैया यहां से ये तीन टॉपिक है, तीन टॉपिक में रशियन रेवोल्यूशन है पूरा, ठीक है। ट्रिबुलेंट टाइम ऑफ 1905 पे आते हैं, ठीक है। पार्टीज वगैरह तो बैन थी, तो इलीगल तरीके से काम कर रही थी। अब क्या होता है, जो राजा था ना सार, वॉज एन ऑटोक्रेटिक रूलर। ऑटोक्रेटिक मतलब किसी की नहीं सुनना, अपनी खुद की चलाना, अपने हिसाब से काम करना। तो सार निकोलस वॉज एन ऑटोक्रेटिक रूलर, ठीक है। और उसी के चलते आपको क्या देखने को मिलता है कि जो दूसरे सारे लोग थे, जो जैसे सोशल डेमोक्रेट्स हो गए, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज हो गए, जो पार्टीज बनी थी, तो दे वॉन्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। वो ये चाहते थे कि राजा जो है, कि राजा इतना ऑटोक्रेटिक है, अत्याचारी, किसी की सुनता नहीं है, चीजों की कीमत बढ़ रही है, रियल वेजेस लोगों की डिक्लाइन हो रही है, ठीक है, सिचुएशंस खराब थी। तो उसके चलते लोग ये चाहते थे 1905 में जब क्रॉप फेलियर वगैरह हुआ, गुड्स की, बेसिक गुड्स जो थे उनकी कीमत बढ़ी, तो लोग ये चाहते थे
कि जो ये है राजा जो है, तो राजा को क्या कर दिया जाए, राजा को कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करे, राजा तो राजा ठहरे। ठीक है, तो अब होता क्या है कि सिचुएशन वही बिगड़ी हुई थी और उस बिगड़ी हुई सिचुएशन में वर्कर्स वगैरह स्ट्राइक करने के लिए उतर आते थे। ठीक है, वर्कर्स वगैरह स्ट्राइक करने के लिए उतर आते थे, तो जैसे वर्कर्स सेंट पीटर्सबर्ग में जो थे, तो दे वेंट ऑन स्ट्राइक डिमांडिंग अ रिडक्शन इन वर्किंग डे टू 8 आवर्स। वो ये चाह रहे थे कि इतनी बुरी सिचुएशन है, सैलरी बढ़ नहीं है, वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा है, तो काम करने के घंटों को 8 घंटे फिक्स कर दिया जाए, वेजेस बढ़ाई जाए और वर्किंग कंडीशन में इंप्रूवमेंट लाए। और इसी डिमांड को करते हुए वो क्या है, जो कह सकते हैं रिवर नेवा के बैंक पे उतर आए और जो विंटर पैलेस था राजा का महल, उसके आजू बाजू उन्होंने घेरा डाल दिया, घेरा डाल दिया। अब होता क्या है, तो राजा तो राजा है, मैंने बताया ना, तो राजा ने क्या कर दिया, अपने जो कोसैक्स थे उन लोगों से बोल दिया मारो रे इनको। ठीक है, तो जो लोग प्रोटेस्टर्स थे ना, इन प्रोटेस्टर्स को लीड कौन कर रहा था, फादर गैपॉन। फादर गैपॉन संडे वाले दिन सारे वर्कर्स को लेके इकट्ठे हो गए विंटर पैलेस के पास में, लेकिन राजा ने अपने कह सकते हैं पुलिस से बोल दिया कि हटाओ इनको फटाफट। ठीक है, तो जब हमला होता है प्रोटेस्टर्स के ऊपर, तो 300 प्रोटेस्टर्स जो है वो जख्मी हो जाते हैं, 100 प्रोटेस्टर्स की जान चले जाती है, और ये सारा सारा इवेंट पूरा 1905 में संडे के दिन हो रहा था, तो इस इवेंट को ब्लडी संडे कहा गया। समझ गए, अब ब्लडी संडे इवेंट हो गया, लाल लाल पूरी स्क्रीन पे ब्लडी ब्लड हो गया। ठीक है, तो अब आप जैसे देखोगे तो ब्लडी संडे का इवेंट समझ में आया क्या है, तो जादेदिस्ट जो है तो मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे। ठीक है, जादेदिस्ट यानी मुस्लिम रिफॉर्मर्स 22 जनवरी 1905 को क्या होता है, ब्लडी संडे वाला इवेंट होता है। तो अब ये ब्लडी संडे का इवेंट तो हुआ, अब आप समझना हां ये ब्लडी संडे का इवेंट जो हुआ तो उसका इंपैक्ट भी समझेंगे हम। तो ब्लडी संडे में क्या होता है, वो जो स्ट्राइक्स और प्रोटेस्टर्स थे, 1905 का रेवोल्यूशन इसी ब्लडी संडे को कहा गया है, तो वो लोग क्या है, वो लोग रोड पे उतर आए। ठीक है, तो अब वो लोग जब रोड पे उतर आए तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, उसका इंपैक्ट ये होगा कि सार जो है, तो सार ने कंट्रोल पाने के लिए स्ट्राइकर्स के ऊपर क्या कर दिया, हमला तो करवा दिया, लेकिन उससे लोग और नाराज हो गए। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अब पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन पे उतर आई थी, स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, पढ़े लिखे लोग, दे ऑल वॉकड आउट। ठीक है, तो वो सब भी बाहर निकल आए, तो राजा के ऊपर प्रेशर बन रहा था और डिमांड ये थी लोगों की कि कॉन्स्टिट्यूशन बना लो। ठीक है, तो सार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, सार ने, राजा ने इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बना दी, जिसका नाम क्या हो गया, डूमा। जैसे हमारी क्या है, संसद भवन है, ठीक है, हमारी पार्लियामेंट, तो वैसे ही रशिया में क्या बनी, एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनी, जिसका नाम क्या रखा गया, डूमा नाम रखा गया। ठीक है, ड्यूमा मतलब क्या होता है, एक वहां की जो पार्लियामेंट है रशिया की, उसे ड्यूमा कहा गया। अभी जो ड्यूमा बनाई गई, तो इस ड्यूमा का ऑब्जेक्टिव क्या था, ड्यूमा का ऑब्जेक्टिव यह था कि राजा इससे डिस्कशन करेगा और निर्णय लेगा, लेकिन राजा ने देखा कि अब मामला थोड़ा ठंडा हो रहा है, और राजा ने देखा मामला थोड़ा ठंडा हो रहा है, उतने में क्या है कि सार डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा विद इन दिस 75 डेज, 75 दिन के अंदर ही, 100 दिन भी नहीं पूरे होने दिए। ठीक है, 100 दिन भी पूरे नहीं होने दिए, 1905 ही तो है, ओके, 1905, समझ जाओ ना, भावनाओं पे जाओ, मतलब भावनाओं पे जाओ, शब्दों पे नहीं, तो मुंह से बोल रहा हूं 1905 वो सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो राजा ने ये ड्यूमा बनाई और पहली ड्यूमा 75 दिन के अंदर ही हटा दी, री इलेक्टेड दी सेकंड ड्यूमा विद इन 3 मंथ्स। ठीक है, राजा ने ऐसा क्यों किया, ड्यूमा का क्यों हटाया आपका, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि कोई उसको क्वेश्चन करे। ठीक है, और फर्स्ट ड्यूमा जो बनी थी उसमें सारे लोग क्या थे, एकदम खुगार थे, सवाल उठाते थे राजा पे कि ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। ठीक है, फिर क्या होता है, ही डिड नॉट वॉन्ट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी एंड रिडक्शन इन हिज पावर, therefore he kept on repeating this thing, he changed the voting laws and packed the third duma with conservative politicians। to second duma bhi hata ke third duma mein usne sare apne logo ko thoos diya। theek hai, to ye is tarah se raja ne ye sara badlav karta raha, ye raja ne ye sara badlav karta raha। to ab aapko 1905 ka revolution yani ki bloody sunday wala event, bloody sunday event ka impact kya tha, theek hai, ya fir outcome ki agar baat ki jaye, इंपैक्ट कह लो या फिर आउटकम कह लो। ठीक है, तो आउटकम समझ में आया, ब्लडी संडे व्हाट वाज दी, अगर मैं आपसे 1 मार्क्स में पूछ लूं, व्हाट वाज दी बिगेस्ट अचीवमेंट विच पीपल ऑफ रशिया गॉट आफ्टर दी इंसिडेंट ऑफ ब्लडी संडे। ठीक है, आफ्टर द इवेंट ऑफ ब्लडी संडे, व्हाट वाज दी बिगेस्ट अचीवमेंट इन 1 मार्क्स, बताओ क्या था, बेचारा डूमा, सो सेड डूमा, ब्लडी संडे से ब्लडी मैरी बिल्कुल भी इंस्पायर्ड नहीं, अलाउंस ऑफ डूमा या फिर क्रिएशन ऑफ डूमा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्रिएशन ऑफ डूमा, हाँ जी, डूमा यानी इलेक्टेड पार्लियामेंट, कंसल्टेटिव पार्लियामेंट,
जिस मतलब राजा को बोल दिया गया था कुछ भी निर्णय लोगे तो इस पार्लियामेंट से बात सुन के। रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, ये कहां से सवाल आ गया? रूरल और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि रूरल एम्प्लॉयमेंट में, अनएम्प्लॉयमेंट में आपको क्या देखने को मिलता है? रूरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा है, और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि जो शहरों में हो रहा है, शहरों में जो लोग बेरोजगार हैं। ठीक है, आ जाओ, अब आ जाओ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड दी रशियन एम्पायर। तो मतलब 1905 के रेवोल्यूशन से हलचल हुई थी लेकिन राजा ने वो मुट्ठी खोल के वापिस बंद कर ली थी। अब आ जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रशियन एम्पायर में क्या बदलाव आया वो देखना। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दो कंट्रीज लड़ रही थी, सेंट्रल पावर, अलाइड पावर। ठीक है, रशिया वॉज दी पार्ट ऑफ अलाइड पावर। अलाइड पावर में कौन कौन थे? यूएसए आएगा बाद में, ठीक है, रशिया, ठीक है, रशिया, रशिया के साथ साथ में फ्रांस, फ्रांस के साथ साथ में, फ्रांस के साथ साथ में ब्रिटेन, ये टीम थी। सेंट्रल पावर में जर्मनी, मतलब वो जर्मन एम्पायर, इटली, और ये नहीं, इटली नहीं था, जर्मन एम्पायर हो गया, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर हो गया, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर हो गया। तो ये सब सेंट्रल पावर के पार्ट थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, डिशुम डिशुम हो गई। तो जो पहले लोग थे ना वो बड़े एक्साइटेड थे, मतलब मैच होता है तो पूरा देश जो है तो सपोर्ट करता है ना अपनी क्रिकेट टीम को, फुटबॉल टीम को, कबड्डी टीम को, जो भी है। ठीक है, तो वैसे क्या शुरुआत में लोग बहुत एक्साइटेड थे, दे वर सो एंथुसियास्टिक अबाउट द वॉर कि वो जर्मनी को हराना चाहते थे, हारते हुए देखना चाहते थे, और शुरुआत में लोगों ने राजा को सपोर्ट भी किया 1914 में। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि वॉर जब जैसे जैसे चलते चले गई, बढ़ते चले गई ना, तो वॉर मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर। ऑटोक्रेसी इज द वर्ड यूज्ड फॉर मोनार्की। तो जो राजा था, राजा लड़ाई के समय में देश में और अनपॉपुलर हो गया। क्यों? क्योंकि ड्यू टू हिज बैड डिसीजंस, लड़ाई में हार हो रही थी, अल्टीमेटली जीतती अलाइड पावर्स ही है थैंक्स टू यूएसए। लेकिन रशिया में आपको क्या देखने को मिल रहा था कि रशिया में जो छोटी छोटी डिफीट्स हो रही थी, सो दीज डिफीट्स वर डीमोरलाइजिंग, और उन डिफीट्स के लिए जिम्मेदार लोग राजा को ठहरा रहे थे। पहले जो एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स थे इतने हाई थे कि जैसे सेंट पीटर्सबर्ग जो है तो उसको नाम बदल के पेट्रोगार्ड कर दिया, शहर का नाम बदल दिया। क्यों? क्योंकि वो सेंट पीटर्सबर्ग जो है तो जर्मन नेम है एक। ठीक है, तो इसके चलते क्या लोग चाह रहे थे कि जर्मनी हारे, लेकिन राजा जो है तो राजा अनपॉपुलर होता चले गया ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ वॉर। ठीक है, व्हाई? तो उसके पीछे के कारण है सरीना अलेक्जेंड्रा जर्मन ओरिजिन, रानी जो थी। ठीक है, तो रानी जो थी ना राजा की, वो जर्मनी से आई थी, बस सारी खुदाई एक तरफ और कंप्लीट दी स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जोरू का मायका एक तरफ, तो वैसा वाला केस हो गया कि सरीना अलेक्जेंड्रा जो थी वो जर्मन ओरिजिन की थी, तो लोगों को लगता था कि अपने ससुराल की तरफ तो नहीं, अगेंस्ट तो नहीं जाएगा राजा। ठीक है, तो एक कारण ये था। सार्स नेचर नॉट टू कंसल्ट, ड्यूमा बनाई थी लेकिन ड्यूमा को फुटबॉल बना देता था राजा, उससे कंसल्ट ही नहीं करता था बिल्कुल भी। ठीक है, राजा जो है तो ड्यूमा से कंसल्टेशन नहीं करता था। ठीक है, उन्होंने एक पुअर एडवाइसर बिठा के रखा था, रासपुतिन। रासपुतिन कौन था? तो रासपुतिन एक, उसकी कहानी बताओ तो, घूमता फिरता एक मॉन्क आ गया था। ठीक है, इनके महल में रशिया में, और ये जो मॉन्क आया था तो इसने राजा के बच्चे बच्चे बीमार थे उनको सही कर दिया, उन्होंने अपने यहीं रख लिया इसको, और उससे सारी एडवाइस लेते थे। रशिया की जनता को इन जनरल ऐसा लगता था क्या आदमी है इसको, क्यों पाल के रख रहे हैं। ठीक है, तो पुअर एडवाइसर सच एज रासपुतिन, ठीक है, सरीना अलेक्जेंड्रा जर्मन ओरिजिन, ठीक है, ऑटोक्रेटिक नेचर ऑफ सार निकोलस वेर ही डिडंट कंसल्टेड विद एनीवन, सो ऑल दीज फैक्टर्स। ठीक है, वॉर वॉज सपोर्टेड मीन्स सार वॉज सपोर्टेड। हाँ, इनिशियली राजा को सपोर्ट किया था लेकिन बाद में विद टाइम सब्सिक्वेंटली क्या हुआ कि राजा को अपोज करने लगे। ठीक है, इन सारे फैक्टरों से, और उसी के चलते क्या होता है, उसी के चलते वॉर मेड ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर। और अब जैसे लड़ाई को भी देखोगे तो वेस्टर्न एंड और ईस्टर्न फ्रंट पे लड़ाई अलग अलग लड़ी जा रही थी। ईस्टर्न एंड पे क्या होता था, खुले मैदानों में लड़ाई लड़ी जाती थी, वेस्टर्न एंड पे ट्रेंचेस में लड़ाई जाती थी। खुले मैदानों में लॉसेस कैजुअलिटीज ज्यादा होती थी, मृत्यु ज्यादा होती थी लोगों की। ठीक है, और जैसे अगर मान लो कि क्या जर्मन आर्मी वगैरह इन्वेड कर जाती थी, ठीक है, तो उससे क्या होता था, उससे जो डिफीट्स हो रही थी, तो दीज डिफीट्स वर शॉकिंग एंड डीमोरलाइजिंग, पीपल वर नॉट विलिंग टू फाइट सच वॉर, लोग लड़ना नहीं चाह रहे थे। ठीक है, रशियन आर्मी जो थी, तो रशिया आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 टू 16। शुरुआती दो सालों में बहुत बुरी तरह से हार रही थी रशियन आर्मी। ठीक है, रशियास ओन इंडस्ट्रीज वर फ्यू इन नंबर एंड द कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम द अदर सप्लाईज ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बाय जर्मन कंट्रोल ऑफ द बाल्टिक सी। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो क्या है कि ये अगर रशिया है तो यहां रशिया के बाद में जैसे ब्लैक सी वगैरह ये सब है, और यहाँ जर्मनी है। ठीक है, और जर्मनी जो है तो जर्मनी ने क्या करके रखा था, ये बाल्टिक सी पे कंट्रोल जो है
मतलब एक तरह से ब्लॉकेट लगा दिया था कि यहां से कुछ सामान जर्मनी जाने नहीं देगा आगे। अब जब यहां से जर्मनी को सामान आगे नहीं जाने देगा तो रशिया की जो इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, वो बोल रही थी कि सामान आने दो, लेकिन इंडस्ट्रीज में सामान नहीं पहुंच रहा था जर्मन ब्लॉकेट के कारण, तो इंडस्ट्रीज ब्रेक डाउन हो रही थी। अब इंडस्ट्रीज ब्रेक डाउन हो रही और इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो एबल बॉडीड मेन थे ना, ठीक है, एबल बॉडीड मेन जो थे तो वो लोग तो सब लड़ने चले गए। रेलवेज ब्रेक डाउन हो रही थी, ठीक है, चीजों की कीमत जो है बढ़ रही थी क्योंकि सारा सप्लाईज जो था फूड ग्रेन्स वगैरह का वो आर्मी की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता था, ठीक है, जो ब्रेड शॉप वगैरह होते थे वहां पे दंगे हो जाते थे। तो ये सारा फैक्टर, ठीक है, हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मेड ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर इन रशिया, व्हाट वर दी इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द रशियन एम्पायर, किसी भी तरह से सवाल आए तो उस सवाल को टैकल कर पाओगे? बताओ, क्या सेंट पीटरबर्ग का नाम पेट्रोगार्ड कर दिया? जी हाँ, अगर सवाल आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशियन एम्पायर के कंटेक्स्ट में कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट क्या रहा रशियन एम्पायर पे, तो सवाल टैकल कर पाओगे? बताओ। यस सर, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो ये हो गया। अब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, टाइमलाइन पे आ जाओ जरा एक बार, ठीक है। वैसे एज सच इसमें टाइमलाइन में बहुत डेट का तो लफड़ा है नहीं ज्यादा, कहानी सीधी ऐसी है कि ये रशियन एम्पायर है, ठीक है, रशियन एम्पायर है, और इस रशियन एम्पायर में आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस रशियन एम्पायर में आपको देखने को मिल रहा है कि बड़ा ऑटोक्रेटिक है, जिद्दी है, ठीक है, दुष्ट टाइप का एम्पायर है पूरा का पूरा। और इसमें ये जो रूल कर रहा है सार निकोलस जो है, सार निकोलस टू उस समय राजा जो था, तो 1905 के टाइम पीरियड में एक बार क्या होता है, एक बार में बीच में हड़कंप आती है, थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी आती है, डूमा बना के वो काम वापस अपने कंट्रोल में ले लेता है। लेकिन जब चीजें आगे चलते जाती है तो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है और यहां से क्या होता है 1914 से चीजें बिगड़ना शुरू होती है वर्ल्ड वॉर से ही, ठीक है। वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट रशियन एम्पायर पे क्या पड़ रहा था वो मैंने आपको बता दिया है। 1917 आते आते फरवरी में बूंद बूंद से घट भर जाता है। तो फरवरी 1917 में क्या होता है, फरवरी 1917 में पेट्रोगार्ड में, ठीक है, पेट्रोगार्ड मतलब क्या है कि वही सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल दिया था ना, जगह है, तो फरवरी में रेवोल्यूशन आएगा, फरवरी रेवोल्यूशन, ठीक है, 1917 में। और यही ये जो इवेंट मैं बता रहा हूं आपको, फरवरी रेवोल्यूशन से लगा के अक्टूबर रेवोल्यूशन तक, इन्हीं इवेंट्स को क्या कहा जाता है, रशियन रेवोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है, गॉट इट। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। तो होता क्या है, इन द विंटर्स ऑफ 1917 द कंडीशंस इन पेट्रोगार्ड वर सीवियर, ठीक है, 1917 में क्या है, कंडीशंस जो थी पेट्रोगार्ड में बहुत कंडीशंस खराब थी, ठीक है, 1917 के विंटर्स फरवरी की बात कर रहे हैं, फूड शॉर्टेज था, ठीक है, वर्कर्स क्वार्टर में। अब शहर कुछ ऐसा बसा हुआ था कि ये रिवर है नेवा, ठीक है, रिवर नेवा है। अब ये रिवर नेवा जो है, तो रिवर नेवा इस तरफ बहते हुए जा रही है, इसके लेफ्ट बैंक पे, रिवर नेवा के लेफ्ट बैंक पे सारे फैशनेबल क्वार्टर्स वगैरह है, ठीक है, और राइट बैंक पे वर्कर्स क्वार्टर था, ठीक है, तो यहां सारे वर्कर्स रहते थे और यहां पूरे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह, राजा, विंटर पैलेस, ये सब था। अब सिचुएशन खराब थी शहर में, ठीक है, पेट्रोगार्ड में, और ये रिवर नेवा के ही आजू बाजू वर्कर्स थे एक तरफ, और एक तरफ पूरी गवर्नमेंट ऑफिसर्स, विंटर पैलेस, राजा और राजा का परिवार था। तो अब जो वर्कर्स थे, तो वो वर्कर्स ने ये देखा फूड शॉर्टेज है, सारी चीजें हैं, तो वर्कर्स क्या हो गए, 22 फरवरी के दिन, ठीक है, एक लॉकआउट टुक प्लेस, ठीक है, लॉकआउट टुक प्लेस, ठीक है, एंड वर्कर्स फ्रॉम 50 अदर फैक्ट्रीज, जैसे पुटिलो आयरन वर्क्स जो है, तो पुटिलो आयरन वर्क्स से कुछ वर्कर्स को निकाल दिया जाता है, तो उनके सपोर्ट में और 50 फैक्ट्री के वर्कर्स जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं स्ट्राइक को। एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम वुमेन वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व, और इसीलिए इसे इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है कि 22 फरवरी के दिन फरवरी रिवोल्यूशन में वुमेन ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था। This came to be known as International Women's Day. ठीक है, 22 फरवरी को इकट्ठे हुए, शाम में वो क्या हो गए, डिस्पर्स हो गए, ठीक है। As the quarters of fashionable area and official buildings were surrounded by the workers, the government imposed a curfew, और curfew लग गया, सब वापस चले गए, अगले दिन वापस आ जाएंगे, ठीक है। Followed by the incident, the government called out a police, अगले दिन जब वापस आ गए लोग, ठीक है, तो government ने पुलिस को और कैवलरी को बुला दिया कि इनके ऊपर, प्रोटेस्टर्स के ऊपर नजर रखना, ठीक है, प्रोटेस्टर्स के ऊपर नजर रखना। मैं आपको एक फ्लो बता रहा हूं कि फरवरी रेवोल्यूशन क्या है। सिचुएशंस वर्कर्स क्वार्टर वगैरह में ठीक नहीं थी, वर्कर्स केम आउट इन प्रोटेस्ट,
ठीक है, वुमेन वर ऑल्सो दी पार्ट ऑफ दिस, ठीक है, गवर्नमेंट जो थी मतलब सरकार जो था, तो सरकार ने भी क्या कर दिया, पुलिस और कैवलरी को बोल दिया कि कीप आई ऑन देम, ठीक है। अब होता क्या है, 25 तारीख को लेकिन ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया डूमा को, कर्फ्यू लगा दिया था, और गवर्नमेंट ने जूलियन कैलेंडर के हिसाब से, गैरगोरियन कैलेंडर के हिसाब से वो कितनी तारीख को आ जाता है, 8 मार्च को आ जाता है, ठीक है। तो अब जैसे अगर आप देखोगे तो होता क्या है कि गवर्नमेंट जो है, तो गवर्नमेंट सारे वर्कर्स प्रोटेस्ट में इकट्ठे हो ही रहे थे, इसी बीच में सरकार ने भी क्या किया, इसी बीच में सरकार ने ये किया कि डूमा को सस्पेंड कर दिया। अब डूमा के जो मेंबर्स थे, 25 फेब को ये हुआ, डूमा के जो मेंबर्स थे, पॉलिटिशियन जो थे, तो दे स्पोक अगेंस्ट दिस एक्शन, ठीक है, दे स्पोक अगेंस्ट दिस एक्शन एंड दे ऑल्सो ज्वाइन दी वर्कर्स, ठीक है, वर्कर्स को ज्वाइन कर लिया उन्होंने, ठीक है। अब आप जिस देखेंगे तो यहां पे कुछ आर्मी ऑफिशियल्स जो थे, तो उन लोगों ने भी क्या कर दिया, दे रिफ्यूज टू रिटेलिएट, उन्होंने सार निकोलस का ऑर्डर सुनने से मना कर दिया। समझ में आ रहा है? तो क्या हो रहा है कि वर्कर्स स्ट्राइक पे आ गए, प्रोटेस्ट पे आ गए, वो डिस्पर्स हो जाते थे, वापस आ जाते थे, कर्फ्यू इम्पोज था, इसी बीच में राजा ने डूमा को सस्पेंड कर दिया, तो सारे पॉलिटिशियंस वॉकड आउट एंड स्पोक अगेंस्ट दिस एक्शन, ठीक है, दे गॉट द सपोर्ट ऑफ आर्मी पर्सनल्स ऑल्सो, और इन सारी चीजों से क्यूमुलेटिव मतलब इन सारे चीजों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, इंपैक्ट ये होता है कि सारे लोग मिलके पेट्रोगार्ड सोवियत बना लेते हैं। पेट्रोगार्ड सोवियत मतलब, सोवियत यानी का मतलब होता है काउंसिल, पेट्रोगार्ड जगह थी, तो वहां पे सारे लोग, आर्मी के लोग, डूमा के लोग और वर्कर्स के लीडर्स, ये सब मिलके क्या कर लेते हैं, पेट्रोगार्ड सोवियत बना लेते हैं। तो ऑन 27 फरवरी द पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रैनसेक्ड, पुलिस हेडक्वार्टर पे मतलब हमला कर दिया गया ड्यू टू दिस इंसिडेंट, द कैवलरी कॉल्ड आउट अगेन, लेकिन कैवलरी मतलब लोग क्या है कि पुलिस हेडक्वार्टर्स पे हमला कर देते हैं सारी चीजें, ठीक है, कैवलरी को बुलाया जाता है, पुलिस को बुलाया जाता है कि कंट्रोल करो, लेकिन कैवलरी जो है, ठीक है, तो वो खुद मना बोलते थे कि हम राजा की बात नहीं मान रहे, एंड ऑफिसर वॉज शॉट एट द बैरक्स ऑफ रेजिमेंट एंड अदर रेजिमेंट्स म्यूटिनीड, ठीक है, मतलब दूसरी रेजिमेंट जो थी, दूसरी और जो पुलिस की टोली थी, उन्होंने मना बोल दिया कि राजा की बात नहीं मानेंगे, ठीक है। वोटिंग टू जॉइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स गैदर्ड टू फॉर्म अ सोवियत और काउंसिल, दिस वाज कॉल्ड द पेट्रोगार्ड सोवियत, और इस तरह से एक पेट्रोगार्ड सोवियत बना ली, जहां पे आर्मी के लोग, पुलिस के लोग, पॉलिटिशियंस, वर्कर्स सब एक साथ इकट्ठे हो गए। अगले दिन एक डेलीगेशन जाता है 2 मार्च को, ठीक है, 2 मार्च को एक डेलीगेशन जाता है, ठीक है, जो सार निकोलस से बोलता है कि सिंहासन छोड़ो कि जनता आती है, मतलब सार निकोलस वॉज आस्क्ड टू स्टेप डाउन, राजा से बोलते हैं कि उतर जाओ, तुम्हारे बस की नहीं है। और इस तरह से क्या होता है, फरवरी रेवोल्यूशन के थ्रू मोनार्की खत्म होती है रशिया में, और अब पावर किसके पास आ जाएगी, तो ये जो पेट्रोगार्ड सोवियत बनाया था इन्होंने, तो इस पेट्रोगार्ड सोवियत ने फॉर द टाइमिंग, आगे इलेक्शन नहीं हो रहे जब तक के लिए, प्रोविजनल गवर्नमेंट बना ली, ठीक है, ध्यान रहेगा, ठीक है, प्रोविजनल गवर्नमेंट बना ली, और ये प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या करेगी, देश चलाएगी। म्यूटिनी मतलब क्या होता है, विद्रोह कर देना, बागी हो जाना, ठीक है, क्या हो गया, ठीक है, रिलिंक्विश्ड, अगर ज्यादा कठिन शब्द लग रहा है तो उसको काट के लिख दो, दी सार वॉज asked to step down, relinquished मतलब हटा देना किसी को किसी जगह से, the sar was asked to step down, कि सिंहासन पे से उतर आओ भाई साहब, बहुत देर से बैठे हो तुम, ठीक है, ऐसा, let the democracy begin, नाचो तो जरा एक बार, democracy आ गई, हुर्रे, ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, democracy आ गई, कहाँ पे democracy आ गई, रशिया में, ठीक है, तो the Soviet and Duma leaders formed provisional government, ठीक है, to run the country, तो Soviet और Duma के जो leaders थे, जो पेट्रोगार्ड सोवियत बनाया था, उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना ली, और वो प्रोविजनल गवर्नमेंट देश चलाने लगी, ठीक है, ये हो गया फरवरी रेवोल्यूशन, समझ में आया, फरवरी रेवोल्यूशन, दिस, हाँ, द किंग वाज आस्क्ड टू एबडिकेट, विश यू ऑल द सेम, ठीक है, जितने बच्चे हैप्पी बर्थडे लिख रहे हैं, सेम टू यू, अगेन टू यू, ठीक है, मेंबर्स जो थे प्रोविजनल गवर्नमेंट के, उसमें देखो डूमा के मेंबर्स भी लिख सकते हो आप, जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स थे उनके लीडर्स लिख सकते हो आप, आर्मी ऑफिशियल्स लिख सकते हो आप, ये सारे मेंबर्स थे, ठीक है। अब आफ्टर फरवरी रेवोल्यूशन, फरवरी आई, रेवोल्यूशन हुआ, मोनार्की गई, उसके बाद क्या, व्हाट्स नेक्स्ट, ठीक है, तो आप जिसे देखेंगे तो देयर वर रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग बाय द गवर्नमेंट एंड एसोसिएशंस वर रिमूव्ड, ठीक है, तो पहले क्या था, पब्लिक मीटिंग पे गवर्नमेंट के द्वारा रिस्ट्रिक्शंस थे, ठीक है, तो वो द रिस्ट्रिक्शंस जो थे ना,
ठीक है, द रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग बाय द गवर्नमेंट एंड एसोसिएशन वर रिमूव, ठीक है, कि आप लोग पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं, ग्रुप्स बनाओ, तो जैसे पेट्रोकार्ड सोवियत बना था, ऐसे जगह जगह ग्रुप्स बनने लगे, काउंसिल्स बनने लगे, ठीक है, मतलब पीपल वर इंजॉइंग द न्यू फाउंड फ्रीडम, व्लादिमीर लेनिन जो थे, ठीक है, तो जो भाग के गए थे ना, भाग के क्यों गए थे, क्योंकि राजा जो था सार निकोलस उनको ढूंढ रहा था, तो ही वॉज ऑन एक्साइल, देश निकाला था, वो देश से बाहर थे, तो वो देश में वापस लौट आएंगे अभी, ठीक है, सोवियट्स लाइक पेट्रोगार्ड सोवियट वर सेटअप एवरीवेयर, जैसे ने बताया कि जगह जगह सोवियट्स बन रहे थे। अप्रैल 1917 में लेनिन जो है तो ही रिटर्न फ्रॉम हिज एक्साइल, और लेनिन लौट के आते हैं और क्या देते हैं, पेट्रोगार्ड जगह का नाम है दोस्त, ठीक है, लेनिन लौट के आते हैं और अपनी अप्रैल थीसिस देते हैं, अलर्ट, अप्रैल थीसिस चार मतलब तीन नंबर का क्वेश्चन आता है, क्या है, तो लेनिन ने 1917 अप्रैल में लौट के आने के बाद रशिया में तीन बातें बोली, क्या उन्होंने बोला, वॉर टू बी ब्रॉट टू अ क्लोज, ठीक है, लड़ाई को खत्म करो, हमें नहीं लड़ना है, रशिया हार रहा है जबरन, क्यों हमारे लोगों की जान जाए, तो उन्होंने बोला हमें वर्ल्ड वॉर से बाहर निकलना है, ठीक है, वॉर टू बी ब्रॉट टू अ क्लोज, लैंड टू बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स, जमीन जो है वो पीजेंट्स को दे दी जाए, क्यों, क्योंकि सोशलिस्ट सोसाइटी, ठीक है, नोबल्स के पास जो जमीन है छुड़ाओ, दो लगाओ चनकट में और जमीन बांट दो, किसको, पीजेंट्स को, बैंक्स टू बी नेशनलाइज्ड, बैंक्स जो है उन बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया जाए, बैंक्स को नेशनलाइज मतलब क्या कि गवर्नमेंट कंट्रोल्ड हो, ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास न रहे, ठीक है, प्रोविजनल भी बता दीजिए, प्रोविजनल बता दो ना, प्रोविजनल गवर्नमेंट मतलब क्या है कि जो फरवरी रेवोल्यूशन आया, राजा को स्टेप डाउन करने को बोल दिया, किंग वॉज एब्डिकेटेड फ्रॉम हिज थ्रोन, तो अब देश कौन चलाएगा, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट चलाएगी, ठीक है, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट देश चला रही है, और फरवरी रेवोल्यूशन के बाद लेनिन लौट के आते हैं, लेनिन ये आइडिया देते हैं अप्रैल थीसिस का, ठीक है, अप्रैल थीसिस का आइडिया दिया, There was an increase in the popularity of Bolshevik and the provisional government began to decline. अब हो क्या रहा है ना कि लेनिन लॉट क्या है, लेनिन ने बोला कि अब this is the right time to bring the revolution. अब हमें provisional government की जरूरत नहीं है, हमें तो socialism की जरूरत है, जो socialist society हम चाह रहे हैं वो बना लेना चाहिए. ये जब बात करना चालू करी लेनिन ने, तो provisional government को थोड़ा सा ऐसा लगने लगा कि यार हमारी popularity decline हो रही है और ये आदमी famous हो रहा है. Provisional government ने क्या किया? Provisional government decided to take strict measures against the spreading discontent. Provisional government ने सोचा नहीं, इतनी जल्दी हम लेनिन को पावर में नहीं आने देंगे, ठीक है, तो अब आपसी पावर टसल चलने लगी, राजा तो गया एक तरफ, ठीक है, अब क्या हो रहा है, इनके बीच में आपस में कंफ्लिक्ट होने लगा, आपस में इनके बीच में क्या होने लगे, चीजें कन्वर्ज नहीं हो पा रही थी, ठीक है, तो इट रेजिस्टेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड अरेस्टेड लीडर्स, ठीक है, तो जो वर्कर्स फैक्ट्री पे टुक ओवर करना चाहते थे तो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने उनको रोक दिया, ठीक है, लीडर्स को अरेस्ट करना चालू कर दिया, तो अब एक चीज समझ में आ गई थी कि प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है तो प्रोविजनल गवर्नमेंट अपना पंजा कस रही जैसा राजा कसने की कोशिश करता था, क्योंकि पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, अब इनके पास पावर आ रही थी तो इनको ऐसा लग रहा था कि यार हमारे हाथ से पावर निकल ना जाए प्रोविजनल गवर्नमेंट को, तो वो जो लेनिन थे और लेनिन के सपोर्टर थे, बोल्शेविक के सपोर्टर जो थे, उनके ऊपर नकल कसने की कोशिश करने लगी थी। आगे क्या होता देखो, the peasants and socialist leader demanded a redistribution of land. Soon land communities were formed and peasants seized land between July and September in 1917. तो गांव में क्या होने लगा, गांव में peasants ने जमीन छुड़ाना चालू कर दी थी, गांव में सोशलिज्म का सपोर्ट बढ़ता जा रहा था, ठीक है, अब शहर में भी क्या होता है, तो शहर में भी अक्टूबर रेवोल्यूशन की तैयारी करता है कौन, व्लादिमीर लेनिन, कैसे, अब एक बार कहानी को जोड़ते हैं, हाँ ठीक है, आ जाओ क्या होता है कहानी को अगर एक बार जोड़े अपन, फरवरी रेवोल्यूशन आया समझ में, फरवरी रेवोल्यूशन का आउटकम क्या था, रिकॉल करो कि किंग वॉज आस्क्ड टू स्टेप डाउन, राजा को बोल दिया कि भैया स्टेप डाउन कर दो, ठीक है, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई और उस प्रोविजनल गवर्नमेंट सॉरी उस प्रोविजनल गवर्नमेंट का क्या काम था, उस प्रोविजनल गवर्नमेंट का ये काम था कि राजा से हमें आजादी मिल गई है तो अब तुम देश चलाओ, प्रोविजनल गवर्नमेंट, लेकिन व्लादिमीर लेनिन लॉर्ड क्या आते, वो अपनी अप्रैल थीसिस देते और प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक्स के बीच में तनातनी होने लगती है, दोनों के बीच में स्ट्रेस टेंस रिलेशन होता है और प्रोविजनल गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही थी कि जो बोल्शेविक्स है उनको ही क्या किया जाए, सप्रेस किया जाए, तो बोल्शेविक ने अब ये प्लानिंग कर ली कि राजा तो हमने हटा दिया, अब ये प्रोविजनल गवर्नमेंट को भी हटाना है, ठीक है, तो बोल्शेविक जो थे तो व्हाट दे प्लान्ड, ठीक है, बोल्शेविक ने क्या प्लान किया, बोल्शेविक और मेंशेविक में डिफरेंस ये है बाबू, दोनों ही सोशल डेमोक्रेट्स है, दोनों ही सोशलिज्म में विश्वास रखने वाले लोग थे, बोल्शेविक को लीड कर रहे थे व्लादिमीर लेनिन
और मेंशेविक को लीड करने वाले दूसरे लीडर थे जैसे जूलियस मार्ट्रॉस वगैरह, ठीक है। बोल्शेविक्स का ये मानना था कि नंबर ऑफ पीपल इन पार्टी शुड बी लिमिटेड, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, और मेंशेविक का ये मानना था ठूसे जाओ ऐसा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। अब अगर आगे देखें, इग्नोर नहीं कर रहा हूं बाबू, इग्नोर नहीं कर रहा हूं, जाए इतने सारे बच्चों के मैसेज आते तो मिस हो जाते ना, फोकस अभी इधर रखो। तो अब अक्टूबर में क्या कहानी होती, देखो अक्टूबर रेवोल्यूशन, द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। तो 16th ऑफ अक्टूबर 1917 पे क्या होता है, लेनिन पर्सुएडेड द पेट्रोग्राड सोवियत एंड बोल्शेविक पार्टी टू एग्री टू अ सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर। क्या है, लेनिन ने ये देख लिया कि प्रोविजनल गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो रही है, हमें ही डराने की कोशिश करी, हमें ही आग दिखा रही, मेरी बिल्ली मेरे से म्याऊं, ठीक है। तो लेनिन ने क्या कर लिया, बोल्शेविक पार्टी के साथ मिलकर सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर की प्लानिंग कर ली कि हमें अब सोशलिज्म को लाना है, ठीक है। क्या करेंगे उसके लिए, टू ऑर्गेनाइज अ सीजर, ठीक है, मतलब वो जो तख्ता पलट करेंगे हम, ठीक है, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट को फुटबॉल बना के उड़ा देंगे, उसके लिए उन्होंने एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई अंडर द लीडरशिप ऑफ लियोन ट्रॉट्स्की। लियोन ट्रॉट्स्की एक मिलिट्री जनरल थे, उनको बोल दिया कि तुम्हारे अंडर में मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बना रहे हैं, आगे आने वाली 24 तारीख जो रहेगी अक्टूबर की, उस दिन हम क्या करेंगे, रेवोल्यूशन लाएंगे, ठीक है। कैसा रेवोल्यूशन लाएंगे, कि प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटाना होगा। तो ऑन 24th अक्टूबर द अपराइजिंग बिगिन, ठीक है। प्रोविजनल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, केरेंस्की, ठीक है। प्रोविजनल गवर्नमेंट को लीड कर रहे थे केरेंस्की। केरेंस्की को डर लगा कि यार ये बोल्शेविक्स तो मुझे हटा देंगे, तो प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स। उसने भी अपनी एडी चोटी का जोर लगाया कि किसी तरह से कंट्रोल कर लूं, ठीक है। उन्होंने सोचा कि हम कंट्रोल कर लेते बिल्डिंग्स और न्यूज़पेपर बिल्डिंग्स वगैरह बोल्शेविक्स की। तो प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की ने भी अपने हाथ पैर मारे, लेकिन लेकिन जैसे अगर आप देखोगे तो उन्होंने किया क्या कि टू बिल्डिंग्स ऑफ बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स वर सीज्ड बाय द लॉयल मिलिट्री मैन ऑफ द गवर्नमेंट, ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेस एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। तो प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की ने यह प्रयास किया कि मैं कंट्रोल कर लूं किसी तरह से, लेकिन तब तक पानी सर से ऊपर जा चुका था। जो बोल्शेविक्स की पार्टी थी, जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई थी, ठीक है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने अरोरा शिप शेयर द विंटर पैलेस, अदर शिप्स टुक ओवर स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स। तो ये मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी में जो लोग साथ दे रहे थे लेनिन का, बोल्शेविक्स का, उन सभी लोगों ने दूसरे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे कब्जा कर लिया। शिप अरोरा जो है तो वो विंटर पैलेस को कैप्चर कर चुकी थी। हैंड्स अप, हाथ ऊपर कर दो, कोई हिल के नहीं जाएगा, सबको कंट्रोल में ले लिया। प्रोविजनल गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्टर्स वगैरह थे उन्होंने सरेंडर कर दिया, ठीक है। बाय द नाइट द मिनिस्टर्स हैड सरेंडर्ड एंड द सिटी हैज बीन टेकन ओवर। शहर पे कंट्रोल हो गया बोल्शेविक का, शंखनाद बजा दिया गया कि जीत गए, ठीक है, विजय भाव, वो वाली स्थिति हो गई, ठीक है। शॉर्ट रिकैप दूंगा फरवरी से अक्टूबर तक का, एक बार और दूंगा, रुको, ठीक है। तो विजय भाव वाली स्थिति हो गई, बोल्शेविक एक्शंस वर अप्रूव्ड बाय ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्राड। और जितनी भी दूसरी छुटभैया टाइप की पार्टी थी सबने बोला कि बोल्शेविक्स ने सही किया, प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की की हार हुई और पावर अब किसके पास आ गई, बोल्शेविक्स के पास में आ गई, ठीक है। हैवी फायरिंग इन मॉस्को बाय दिसंबर, ठीक है, दिसंबर तक लड़ाई चलती रही मॉस्को वाले एरिया में, लेकिन जैसे मतलब हैवी फायरिंग चलती रही मॉस्को में, लेकिन बाय दिसंबर द बोल्शेविक्स कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोगार्ड एरिया। और धीरे धीरे करके पेट्रोगार्ड को पहले कैप्चर किया और धीरे धीरे पूरा एरिया जो है मॉस्को पेट्रोगार्ड का, जो मेन एरिया है रशिया का, वो कैप्चर कर लिया बोल्शेविक्स ने, ठीक है। अक्टूबर रेवोल्यूशन से लगा के दिसंबर रेवोल्यूशन तक में पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। तो ये आपका अक्टूबर रेवोल्यूशन भी हो गया। अब आ जाओ इधर, क्या अब एक बार रिकॉल करते हैं अपन, कहां से रिकॉल करेंगे, फरवरी और अक्टूबर से या फिर पूरा स्टार्टिंग से, कहां से चाह रहे हो बताओ। लियोन ट्रॉट्स्की मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी के हेड थे, केरेंस्की कहां गया, केरेंस्की को अरेस्ट कर लिया, केरेंस्की को अरेस्ट कर लिया स्टार्टिंग से। चलो रिकॉल तो अपन ऐसे करवा देंगे तुम्हें, देखो क्या हो रहा है। तो रशियन रेवोल्यूशन की बात करें, रशिया की सोसाइटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी समझी, हमने देखा कि रशिया में कैसे सपोर्ट फॉर सोशलिज्म बढ़ रहा था, सोशल डेमोक्रेट्स की, सोशल रेवोल्यूशनरीज की अलग अलग पार्टीज थी, बोल्शेविक्स का इन्फ्लुएंस ज्यादा था। अब इस बीच में आप जिसे देखोगे तो ये सब कुछ इलीगल तरीके से कर रहा था। 1905 का समय जो था ना, तो बड़ा ट्रेबुलेंट टाइम पीरियड था, क्योंकि जब क्या है लोग परेशान थे और उन परेशानियों के चलते लोग रोड पर उतर आए थे, तो फादर गेपॉन लीड कर रहे थे उस प्रोसेशन को, और ब्लडी संडे वाला इवेंट होता है, ब्लडी संडे के इवेंट से और लोग नाखुश होते क्योंकि बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी, तो तब राजा के ऊपर प्रेशर बनता, तो राजा को डूमा बनाना पड़ी थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हो जाता है फिर 1914 में, ठीक है। राजा डूमा बनाया जरूर था, लेकिन उसको बार बार सस्पेंड कर देता था क्योंकि वो अपने पावर पे कोई क्वेश्चनिंग नहीं चाहता था, ठीक है। अब क्या हो रहा है, तो ड्यूमा बनाई थी, ड्यूमा हटा दिया जाता था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने राजा की इमेज को और डेंट पहुंचाया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सोशल इकोनॉमिक कंडीशन जो रशिया में और बिगड़ गई थी, पीपल वर
hating in literal sense against the people were having the hate in literal sense against the monarch. ठीक है, अब क्या होता है, यही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है 1914 से चालू हुआ, 15, 16, 17 विंटर्स ऑफ 1917 वर वेरी हार्श, वेरी टफ, वर्कर्स जो थे पुटिलो आयरन वर्क के वो स्ट्राइक पे उतर आए, ठीक है, और उनको जब निकाल दिया गया तो उनके सपोर्ट में 50 और फैक्ट्रीज के वर्कर्स निकल आए, उन्होंने जब विंटर पैलेस को घेरना चालू किया तो कर्फ्यू वगैरह लगा दिया गया, डूमा सस्पेंड कर दी गई, तो इससे डूमा वाले लोग भी रोड पे उतर आए, ठीक है, मिलिट्री ने भी म्यूटिनी कर दी, ठीक है, मतलब कि दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दी मोनार्क और सबने मिलकर पेट्रोगार्ड सोवियत बनाया, राजा से बोला उतर जाओ स्टेप डाउन कर दो, ठीक है, ही वॉज आस्क्ड टू एबडिकेट दी थ्रोन, प्रोविजनल गवर्नमेंट बना ली, देश मोनार्की से आजाद हुआ, देश चल रहा था, बहुत बेहतरीन चल रहा था, ठीक है, देश चल रहा था। अब उसी बीच में क्या होता है, बहुत सारे सोवियट्स और भी बन रहे थे, व्लादिमीर लेनिन लौट के आ गए, उन्होंने अप्रैल थीसिस दे दी अपनी, अब यहाँ पे बोल्शेविक गवर्नमेंट मतलब बोल्शेविक पार्टी और वो प्रोविजनल गवर्नमेंट के बीच में क्या है, रिलेशन टेंस्ड हुए, और उसी के चलते क्या है, बोल्शेविक पार्टी ने सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर तैयार किया, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी बनाई अंडर द लीडरशिप ऑफ लियोन ट्रॉट्स्की, और उस मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी ने क्या किया, पावर अपने हाथ में लेने के लिए 24 अक्टूबर में अपराइजिंग स्टार्ट करी, और बाय द नाइटफॉल एवरीथिंग वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ बोल्शेविक पार्टी, और इस तरह से अक्टूबर रेवोल्यूशन से क्या हुआ, अक्टूबर रेवोल्यूशन से पावर प्रोविजनल गवर्नमेंट से पावर किसके पास आ गई, प्रोविजनल गवर्नमेंट से पावर आ गई बोल्शेविक पार्टी के पास, ठीक है, बोल्शेविक पार्टी के पास पावर आ गई। अब अगला सवाल यह है, वॉट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर, अरे इग्नोर नहीं करो तुम, सवाल तो पूछते नहीं, इग्नोर कर रहे हो, लिख रहे हो, ठीक है, ऑल रशियन कांग्रेस क्या है, तो जितने भी रशिया में जितनी भी पार्टीज थी सबकी एक साथ जो मीटिंग होती थी उसको ऑल रशियन कांग्रेस कहा जाता था, ठीक है, अरोरा उस शिप का नाम है, ठीक है, अरोरा उस शिप का नाम है, शिप अरोरा सेल द विंटर पैलेस, ठीक है, टी शर्ट लेने जाएंगे तो देंगे, क्या देंगे, तुम्हारे दे देंगे जाओ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो वॉट चेंज आफ्टर अक्टूबर, तो इन नवंबर 1917 मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, नवंबर 1917 में बहुत सारी इंडस्ट्रीज, मतलब व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, तो अक्टूबर के बाद में नवंबर आया, नवंबर से ही वो जो सोशलिज्म लाना चाह रहे थे देश में वो लाना शुरू किया, ठीक है, इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया, ठीक है, लैंड वर डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी, लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया, पीजेंट से बोल दिया कि जाओ नोबेलिटी से लगाओ चनकट में दो उनको और सारी जमीन छोड़ा लो उनसे, ठीक है, तो यूज ऑफ ओल्ड टाइटल्स वर बैंड, अब इक्वालिटी लाना है तो ओल्ड टाइटल्स को उन्होंने बैन कर दिया, न्यू यूनिफॉर्म डिजाइन करी आर्मी एंड ऑफिशियल्स के लिए, बोदेनेवू का हैट जो है वो डिजाइन की गई, रशिया बिकेम वन पार्टी स्टेट, अब रशिया में सिर्फ एक ही पार्टी चलेगी, कौन सी, जो बोल्शेविक पार्टी थी उसको रीनेम करके उन्होंने रशियन कम्युनिस्ट पार्टी नाम रख दिया, ठीक है, बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम्ड एज दी रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्लिक्ट भी थे रशिया में, आपको क्या देखने को मिल रहा है कि फिर बोल्शेविक पार्टी बहुत कॉन्फिडेंस में थी, जिसने अपना नाम बदल के क्या कर लिया था, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, उसने इलेक्शन करवाया, इलेक्शन में हार गई, हारने के बाद में उन्होंने क्या बोल दिया, नहीं ये इलेक्शन तो ऐसे ही थे झूठ मूठ के, ऑल रशियन कांग्रेस वॉज मोर डेमोक्रेटिक, और उन्होंने फिर क्या कर दिया, उन्होंने जिस कॉज के लिए पावर में आए थे तो पीपल एट टाइम्स डिसइल्यूजन्ड थे कि रशियन कम्युनिस्ट पार्टी जो है तो वो एट टाइम्स क्या है अपने ही लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कंट्रोल करने लगी थी, मेनी बिकेम डिसिल्यूजन बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप द पार्टी एनकरेज्ड, पार्टी अपनी पावर को बचाए रखने के लिए क्या करती है, अगर कोई पार्टी के अगेंस्ट में दिखता तो उनको ही पकड़ लेती थी, ठीक है, तो ये सारी चीजें बदली अक्टूबर के बाद में, अक्टूबर के बाद में सिविल वॉर वाली सिचुएशन भी डेवलप हुई, क्यों, शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाऊं सिविल वॉर वाली सिचुएशन क्या है, सिविल वॉर मतलब कंट्री के अंदर लड़ाई, ठीक है, तो एक तरफ तो रेड आर्मी थी, रेड आर्मी किसकी थी, ये रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, और इनके अपोजिट में क्या है, व्हाइट्स थे, व्हाइट्स मतलब कौन, जो सार निकोलस के लोग थे ना, जो कंजर्वेटिव्स थे वो, क्योंकि ऐसा है ना कि अभी दम थोड़ा बचा था, उन्होंने सोचा एक फाइट और मारेंगे, ग्रीन्स थे, ठीक है, तो व्हाइट्स प्लस ग्रीन्स कर देते, ग्रीन्स मतलब दूसरे सोशलिस्ट लोग थे जो बोल्शेविक के साथ नहीं थे, तो वो लोग ये चाहते थे कि किसी तरह से रेड आर्मी को हरा दिया जाए, ठीक है, और इन लोगों को बाहर के देश से भी लोग सपोर्ट कर रहे थे, जैसे यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, क्यों, क्योंकि वो चाह रहे थे कि आज रशिया है कल हमारे देश में भी ऐसे रेवोल्यूशन आ जाएंगे सोशलिज्म के नाम पे, ठीक है, कल हमारे देश में भी सोशलिज्म के नाम पे ऐसे ही रेवोल्यूशन आ जाएंगे, तो इसके चलते क्या, इसके चलते कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन डेवलप हो गई, ठीक है, और अधिकतर जो कह सकते हैं बोल्शेविक पार्टी के, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के जो
वॉलेंटियर्स थे, आर्मी मेंबर्स थे, तो गांव में जमीन बट रही थी तो वो अपने गांव चले गए थे। तो अंदर ही अंदर क्या हो रहा था कि एक लड़ाई छिड़ गई देश में, ठीक है। अब इस लड़ाई में क्या होता है, जैसे जो रशियन सोशलिस्ट वगैरह जो ये रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, तो दे वर सपोर्टेड बाय मुस्लिम रिफॉर्मर्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं जादिदिस्ट वगैरह, दूसरी कंट्रीज के सपोर्ट से उन्होंने कहीं ना कहीं क्या किया, व्हाइट्स और ग्रीन्स को हरा दिया, और पूरी पूरी पावर जो है तो पूरी पावर जो है वो किसने अपने हाथ में ले ली, रेड्स ने। रेड्स मतलब जो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि बोल्शेविक पार्टी के जो मेंबर्स हैं। तो बाय जनवरी 1920 द बोल्शेविक्स कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर, कोऑपरेशन विद नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम जादिदिस्ट, इन लोगों की मदद से वो जीत गए, ठीक है, जीत गए और उन्होंने अपने हाथ में पावर ले ली एट टाइम्स। लेकिन क्या होता था कि सोशलिज्म को बचाने के नाम पे जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे उन लोगों को मार भी दिया जाता था, तो पीपल वर अगेन डिसइल्यूजन, लोग कंफ्यूज भी बहुत थे कि आखिरकार चाहते क्या है कौन रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के लोग। तो मतलब दे वर नॉट अपहेल्डिंग टू द आइडियाज विच दे चेरिस्ड, जिन चीजों की बात करते थे उन बात मतलब वही कहते कुछ थे करते कुछ थे, ठीक है। तो ये हो गया सिविल वॉर। अब उसके बाद में मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, यहां से क्वेश्चन बनता है आपका, समझना क्या क्वेश्चन बनता है यहां से, ठीक है। 10 मिनट का और चैप्टर बचा है बस, क्या क्या क्वेश्चन बनता है यहां से, एक अच्छा क्वेश्चन बनता है बड़ा, कि रेवोल्यूशन आए सितंबर फरवरी रेवोल्यूशन आया, अक्टूबर रेवोल्यूशन आया, ठीक है, सिविल वॉर हुआ, ये सारा सब कुछ हमने देख लिया। तो ये सारा सब कुछ तो आप क्या देख रहे हैं, इवेंट्स हो रहे थे कि हाँ रशिया में रशियन रेवोल्यूशन में ये चीजें हुई, इवेंट्स हुए। लेकिन वो ये कि सिर्फ इवेंट से काम नहीं चलेगा ना, सिर्फ इवेंट से काम नहीं चलेगा, आखिरकार समाज बदला कैसे, आखिरकार समाज बदला कैसे, मतलब क्या है कि वो सोसाइटी जो जिसमें आप सोशलिज्म लाना चाह रहे थे, तो वो सोसाइटी एक सोशलिस्ट सोसाइटी कैसे बनी, वो सोसाइटी एक सोशलिस्ट सोसाइटी कैसे बनी। तो अब यहां जैसे देखेंगे हम, तो सबसे पहले क्या स्टेप्स लिए गए, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि व्हाट, ठीक है, व्हाट स्टेप्स, ठीक है, व्हाट स्टेप्स वर टेकन टू मेक अ सोशलिस्ट सोसाइटी, टू मेक अ सोशलिस्ट सोसाइटी इन रशिया। तो आप क्या देखेंगे कि बैंक्स और इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया, जैसे जो जो प्रॉमिस किया गया था कि बैंक और इंडस्ट्रीज को क्या किया गया, नेशनलाइज कर दिया गया। कलेक्टिव वर्क वॉज परफॉर्म बाय द पीजेंट्स ऑन कन्फिसिकेटेड लैंड, ठीक है, जो पीजेंट्स थे तो उन पीजेंट्स के द्वारा क्या किया जाता था, कलेक्टिव वर्क को परफॉर्म किया जाता था कि सारे खेत पे एक साथ लोग काम कर रहे थे, ठीक है। कलेक्टिव वर्क वॉज परफॉर्म ऑन दी कन्फिसिकेटेड लैंड, साथ ही साथ क्या है, सेंट्रलाइज प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड। सेंट्रलाइज प्लानिंग मतलब क्या है कि अब जैसा लुइस ब्लैंक का क्या आइडिया था सोशलिज्म का, वो ये चाहते थे ना कि गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए इन द कॉमन ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। तो गवर्नमेंट को बोल दिया गया कि 5 साल के प्लान बनाओ, तो जैसे क्या है, 5 ईयर प्लान्स वर सेट फॉर द इकोनॉमी फॉर अपकमिंग 5 ईयर्स। तो जैसे आप देखेंगे 1927 से 32, 33 से 38, तो फर्स्ट 2 5 ईयर प्लान लाया गया कि 5 साल तक कैसे डेवलपमेंट करना है वो तय किया गया, ठीक है, वो तय किया गया। दिस ऑल लेड टू ह्यूज इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड न्यू फैक्ट्रीज बिगिन टू कम अप। खूब इंडस्ट्रीज में ग्रोथ देखने को मिली, नई नई फैक्ट्रीज आना शुरू हो गई, तो कहीं ना कहीं बदलाव जो था तो वो क्या था, पॉजिटिव एंड पे शुरू हो गया, सोशलिस्ट सोसाइटी बनना शुरू हो गई थी। इस तरह से ये सारे स्टेप्स लिए गए थे। हाउएवर देयर वाज अ डार्क साइड टू इट, ठीक है। लेकिन आप जैसे देखेंगे तो ये जो इंडस्ट्रीज वगैरह आ रही थी तो ग्रोथ बहुत तेज थी, ऐसा देश जो प्रिमिटिव था, एग्रीकल्चरलिस्ट था, वहां पे ग्रोथ देखने को मिली थी, लेकिन रिसोर्सेज की कमी थी। तो डार्क साइड ये भी था क्या, कि रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू द पुअर वर्किंग कंडीशन, जैसे बताया गया है कि माइनस मतलब कड़ाके की ठंड, -50 डिग्री लिखा शायद उसमें टेम्परेचर, -50 डिग्री नहीं होगा, लेकिन मतलब इतनी कड़ाके की ठंड में क्या होता था, इतनी कड़ाके की ठंड में वर्कर्स क्वार्टर्स वर पुअरली इक्विप्ड, अगर किसी को वॉशरूम के लिए जाना रहता तो 4 मंजिल से नीचे उतर के आना रहता था, पता नहीं क्या होता होगा उसका, ठीक है। तो रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है, इसके लिए, ठीक है, मतलब वर्कर्स लिव्ड हार्ड लाइफ्स, प्रयास किया गया जैसे चीप हेल्थ केयर, एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम, मॉडल हाउसिंग वगैरह, ये सारी चीजें क्रिएट की गई थी, ठीक है, ये सारी चीजें क्रिएट की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको क्या देखने को मिलता था, काम में फ्रीक्वेंट स्टॉपेजेस होते थे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 550 बार काम रुका है इन द फर्स्ट ईयर अलोन, 365 दिन में 550 बार काम रुका था, बताओ, ठीक है। तो गवर्नमेंट टुक वेरियस स्टेप टू इंप्रूव द कंडीशन, बट द थिंग वाज कि लैक ऑफ रिसोर्सेज जो थे तो उस कारण से चीजें उतनी फास्ट नहीं हो पाती थी, समझ गए। तो दिस वाज हाउ द सोशलिस्ट सोसाइटी वाज मेड, सोशलिस्ट सोसाइटी कैसे बनाई गई, क्या स्टेप्स लिए गए, क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन। वैसे ही एक सिंपल और स्टैंड अलोन टॉपिक जो है, अगर प्रोविजनल गवर्नमेंट में पेट्रोग्राड सोवियत के लोग थे तो फिर लेनिन ने उन्हें उनके अगेंस्ट कैसे परसुएट किया,
ठीक है, पेट्रोगार्ड सोवियत के लोग थे तो नहीं, तो अब ये दिखती बात है ना कि पेट्रोगार्ड सोवियत के वो लोग जो सोशलिज्म का सपोर्टर थे वो प्रोविजनल गवर्नमेंट को क्यों सपोर्ट करेंगे? उन्हें समझ में आ गया कि प्रोविजनल गवर्नमेंट तो स्ट्रिक्ट हो रही है, तो जैसे मिलिट्री में भी कुछ मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट लिखा है बुक में एक जगह, तो जो मिलिट्री मैन गवर्नमेंट के लॉयल थे उन्होंने तो कोशिश की कि बोल्शेविक की बिल्डिंग्स वगैरह पे कब्जा करें, लेकिन जो ये था जो सोशलिज्म के टुवर्ड्स लॉयल थे उन्होंने लेनिन को सपोर्ट किया। समझ गए? आगे देखें तो आगे क्या है, स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। आ जाओ भाई साहब, सेकंड लास्ट टॉपिक आई गेस। स्टालिनिज्म क्या है? स्टालिनिज्म मतलब क्या है कि लेनिन की डेथ हो जाती है 1923 में, लेनिन की डेथ हो गई, रेस्ट इन पीस। ठीक है, तो अब लेनिन की डेथ के बाद में पावर आती है स्टालिन के पास में, जोसेफ स्टालिन। ठीक है, तो द टाइम पीरियड व्हेन द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी वाज हेडेड बाय स्टालिन, हिज आइडिया डोमिनेटेड द यूएसएसआर एंड दैट पीरियड केम टू बी नोन एज स्टालिनिज्म। तो स्टालिन जब रूल कर रहा था तो उस टाइम पीरियड को स्टालिनिज्म कहा गया। ठीक है, लेनिन रूल कर रहा था, लेनिन की आइडियोलॉजी थी तो उसे लेनिनिज्म कहा जाएगा, स्टालिन रूल कर रहा था, स्टालिन की आइडियोलॉजी थी उसे स्टालिनिज्म कहा जाएगा। ठीक है, अब स्टालिन ने एक लॉ लाया कलेक्टिवाइजेशन का, क्या है वो? तो स्टालिन ने कलेक्टिवाइजेशन की बात करी। ठीक है, कलेक्टिवाइजेशन क्या होता है? तो कंबाइनिंग लैंड ऑफ वेरियस फार्मर्स एंड देन परफॉर्मिंग द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ऑन कलेक्टिव बेसिस, ये स्टालिनिज्म का मतलब स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन था। मैंने बहुत सिंपल ब्रेक डाउन करके दिया आपको, स्टालिन के टाइम पीरियड को स्टालिनिज्म और स्टालिन ने कलेक्टिवाइजेशन वाली चीज लेके आया। कलेक्टिवाइजेशन क्या होता है? तो कलेक्टिवाइजेशन में स्टालिन ने यह किया कि एक आदमी की जमीन, दूसरे आदमी की जमीन, तीसरे आदमी की जमीन और सबकी छोटी छोटी जमीन जो थी उनको जोड़ के क्या किया, एक साथ एक कलेक्टिव फार्म बनाया, एक साथ एक कलेक्टिव फार्म बना लिया और बोला कि अब सब इस पे खेती करो। ठीक है, ये कलेक्टिवाइजेशन था। ठीक है, तो ऑल द इंडिविजुअल लैंड्स वर पुल्ड टुगेदर। ठीक है, फार्मर्स वर आस्क्ड टू परफॉर्म एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ऑन कलेक्टिव बेसिस, दिस स्टेप अंडर द स्टालिन वॉज नोन एज कलेक्टिवाइजेशन इन रशिया। ठीक है, कल स्कूल का टेस्ट है, हाफ ईयरली, बस बस खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, अब खत्म तो करें जो शुरू किया है। ठीक है, तो व्हाट वाज़ द रीजन फॉर कलेक्टिवाइजेशन, कलेक्टिवाइजेशन क्यों किया गया, व्हाट वाज़ द रीजन? ठीक है, तो आप जैसे देखोगे आर्ग्यूमेंट्स गिवन दैट कि स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग जो है, छोटे छोटे खेत पर जब खेती करते थे ना, तो उससे उसको आप मॉडर्नाइज नहीं कर सकते हो और उसके चलते ग्रेन्स की शॉर्टेज भी होती है, ग्रेन्स की शॉर्टेज भी होती है। ठीक है, वही स्मॉल साइज को मॉडर्नाइज नहीं करते हो, ग्रेन्स की शॉर्टेज इसीलिए हो रही थी और इसी के लिए फार्म को अगर मॉडर्नाइज करना तो सबको कलेक्टिवाइज करना होगा। ठीक है, और इसी के लिए क्या होता था, फार्म्स को फार्म शुड रन ऑन इंडस्ट्रियल लाइंस विद मशीनरीज, तो इकट्ठा करोगे तभी चला पाओगे। इट वॉज नेसेसरी टू एलिमिनेट कुलक्स, और ये कहा जाता था कि जो बड़े किसान है वो क्या करते हैं, ग्रेन्स को होल्ड करके रख लेते हैं, छुपा के रख लेते हैं अपने पास की कीमत बढ़ेगी तब बेचेंगे। तो कुलक्स मतलब वो वेल टू डू पीजेंट्स। ठीक है, तो वेल टू डू पीजेंट्स जो होते हैं उन्हें कुलक्स कहा जाता है। तो कुलक्स को एलिमिनेट करने की जरूरत है कि कुलक्स को हटाना होगा तभी हम क्या कर पाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे, नहीं तो स्टोर कर करके रख लेते थे वेल टू डू पीजेंट्स। ठीक है, अच्छा जो मतलब अमीर पीजेंट्स को, वेल टू डू पीजेंट्स को कुलक्स कहा जाता था। एंड लार्ज स्टेट कंट्रोल्ड फार्म्स मस्ट बी स्टैलिस्ट। ठीक है, और क्या होगा कि कुलक्स को एलिमिनेट करेंगे कलेक्टिवाइजेशन से, लार्ज स्टेट कंट्रोल्ड फार्म को एस्टैब्लिश करेंगे ताकि प्रोडक्शन बढ़े। तो डिस्पाइट दीज एफर्ट्स प्रोडक्शन डिडंट इंप्रूव। ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ, इंप्रूव नहीं हुआ, फिर भी प्रयास तो किया गया उनके द्वारा। ठीक है, तो इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली। ठीक है, यू कैन नॉट विन ओवर द नेचर। क्यों? क्योंकि अगर मान लो जैसे इन्होंने ये प्रयास किया भी ना तो भी क्या होता था कि 1930 से 33 के बीच में हार्वेस्ट खराब हो गई, फसलें खराब हो गई, डिवास्टेटिंग फेमाइन सहित 4 मिलियन डेथ हुई है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट था कि कलेक्टिव फार्म से शायद प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो वो इफेक्टिवली उतना इंप्लीमेंट हो नहीं पाया। ठीक है, ड्यू टू ऑल दिस देयर वर क्रिटिसिज्म ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी एंड कलेक्टिवाइजेशन। प्लान्ड इकोनॉमी का, कलेक्टिवाइजेशन का और लेनिन का, सबका क्रिटिसिज्म होना इसी कारण से स्टार्ट होगा। और जब उनका क्रिटिसिज्म हुआ तो जो आवाज उठा था उसकी आवाज दबा दी जाती थी, अगेन वही वाली चीज। ठीक है, सच क्रिटिक्स वर चार्ज्ड विद कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म। अगर मैं आज देश के भले के लिए बोलूंगा कि नहीं ये देश में गलत हो रहा है तो अगर मेरे ऊपर फिर क्या आरोप लगाएगा कि तुम तो देशद्रोही हो, और जब देशद्रोही बोल दोगे तो फिर कुछ भी कर सकते हो तुम मेरे साथ। ठीक है, एनएसए लगा दोगे तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग जाएगा। तो यहां क्या हो रहा, वही हुआ कि लेनिन के स्टालिन के इस स्टेप को लोगों ने गलत बोला, और जिन्होंने गलत बोला तो उनके ऊपर चार्ज लगा दिया जाता था कि तुम तो सोशलिज्म नहीं चाहते हो, तुम कैपिटलिस्ट हो, लटका दो इसको। ठीक है, तो जैसे यहां पे बताया गया
एग्जाम्पल ओवर 2 million वर इन प्रिजन और लेबर कैंप्स इन द चार्जेस ऑफ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म, और इसमें से काफी सारे लोग जो है ना वो फेक कन्फेशंस करवाए गए, उनसे बोला गया कि एक्सेप्ट करो कि तुम सोशलिज्म के अगेंस्ट में थे, और उनके ऊपर मुकदमे चला दिए गए, और बहुत सारे लोग जो ऐसे एग्जीक्यूट किए, जब इनको सजा सुनाई गई तो उसमें बहुत सारे टैलेंटेड प्रोफेशनल्स थे जो रशिया ने खो दिए इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म, ठीक है, इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म, ठीक है। तो कलेक्टिवाइजेशन समझ में आया, ठीक है, लास्ट टॉपिक फाइनली। तो कलेक्टिवाइजेशन समझ में आया, क्या है कलेक्टिवाइजेशन? देखो सुनो मेरी बात, तुम थक जाओगे पढ़ते पढ़ते, मैं पढ़ाते पढ़ाते नहीं थकूंगा, तो वो केस रहता है। और अभी एग्जाम टाइम में तो दीज आर दी स्मॉल सेशन, डेढ़ घंटे का सेशन हुआ होगा मेरे हिसाब से अभी, ठीक है, मैंने 5-5 घंटे के सेशन लिए हैं, ठीक है, एक फ्लो में, तो वो वाली बात नहीं है। पॉइंट ये है, मुझे ये है कि लेट ज्यादा हो गया तो तुम लोग का स्कूल भी जाना है, तो उसको कवर करते हैं, ये कंप्लीट कर दें। तो एक बार रिकॉल करेंगे छोटा सा, स्टालिनिज्म मतलब कि स्टालिन का जो टाइम पीरियड था, ठीक है, जब स्टालिन रूल कर रहा था उसे स्टालिनिज्म कहा गया, ठीक है। स्टालिन के टाइम पीरियड में कलेक्टिव फॉर्म्स क्रिएट किए गए जहां पे इंडिविजुअल लैंड्स को पूल करके कॉमन रिसोर्स मतलब एक बड़ा स्टेट कंट्रोल एग्रीकल्चरल फार्म लैंड्स बनाए गए जिन्हें मॉडर्नाइज किया जा सके, वो कलेक्टिवाइजेशन कहलाया। कारण मल्टीपल थे कि मॉडर्नाइज करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, ये सारी चीजें, और उसके अगेंस्ट में जो क्रिटिक्स थे उनको क्या किया गया, पनिश भी किया गया। तो ये सोशलिज्म का पूरा रशियन रेवोल्यूशन के बाद में स्टालिन के पास पावर आई, वो पूरा पार्ट समझा दिया चैप्टर में आपको। लास्ट टॉपिक जो है वो क्या कहता है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन इन यूएसएसआर। ऐसा क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी कम है, कलेक्टिवाइजेशन और स्टालिन वाले पार्ट से बनने की है पॉसिबिलिटी, जो मैंने आपको समझा दिया। कुलक्स क्या है, वेल टू डू पीजेंट्स वगैरह, ये छोटे छोटे कीवर्ड्स। ये टॉपिक जो ये बताता है कि रशिया में रेवोल्यूशन हुआ, और रशिया के रेवोल्यूशन के बाद में जैसे रशिया ने अपने आप को क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बनाया, यूएसएसआर, ठीक है, कि सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक मतलब क्या है कि सोशलिस्ट कंट्रीज का एक रिपब्लिक बनाया, एक यूनियन बनाया। तो उसमें आजू बाजू की जो भी कंट्री थी ना, ये यूक्रेन, बेलारूस, लातविया, फिनलैंड, इन सारी कंट्रीज, नहीं फिनलैंड नहीं था शायद, इन सारी कंट्रीज को जोड़ा, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, ठीक है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इन सारी कंट्रीज को जोड़ के यूएसएसआर बनाया था, जो कि 1990s में डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो इस रशियन रेवोल्यूशन की और यूएसएसआर की वर्ल्ड वाइड ग्लोबली क्या इन्फ्लुएंस हुई, तो जैसे अगर हम देखेंगे तो नॉट ऑल सोशलिस्ट पार्टी इन यूरोप वर ऑन द सेम पोजिशन। तो कुछ पार्टीज ने, तो देखो एक चीज जो थी वो सबने अप्रिशिएट करी कि वर्कर्स स्टेट का जो इमेजिनेशन है ना, ठीक है, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म वाज ड्यू टू द पॉसिबिलिटी ऑफ वर्कर्स स्टेट। लेकिन हर सोशलिस्ट पार्टी ने यूएसएसआर को और रशियन रेवोल्यूशन को सही नहीं बताया, कुछ लोग डाउटफुल भी थे, क्यों, क्योंकि बोलते थे कि जिन आइडियाज के लिए इन्होंने रेवोल्यूशन लाए, कहीं ना कहीं वही आइडियाज धूमिल हो गए, वही आइडियाज ब्लर होते चले गए, वही आइडियाज, ठीक है, ब्लर होते चले गए। मेनी कम्युनिस्ट पार्टी वर फॉर्म्ड, एग्जांपल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, बोल्शेविक्स आल्सो एनकरेज कॉलोनियल पीपल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट। तो रिएक्शंस वर मिक्स्ड, कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत बढ़ चढ़ के अप्रिशिएट किया, वहीं पे आप देखेंगे तो कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने जैसे अगर आप देखेंगे तो आवाजें भी उठाई, ठीक है, और कुछ लोगों ने सपोर्ट भी दिखाया। तो बोल्शेविक जो थे, तो बोल्शेविक्स ने थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसे इंडिया वगैरह, जिन कंट्रीज में कॉलोनियल पावर का रूल था, वहां पे उन कंट्रीज में पार्टीज को एनकरेज किया, क्या एनकरेज किया कि तुम लोगों को एनकरेज किया कि तुम भी अपने यहाँ क्या बनाओ, तुम भी अपने यहाँ एक तरह से सोशलिस्ट रेवोल्यूशन लेके आओ और पावर अपने हाथ में लो, वर्कर्स स्टेट वाला इमेजिनेशन वहां पे ट्रिगर किया, ठीक है। इसीलिए कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ ईस्ट हुआ 1920 में रशिया में, यूएसएसआर में, ठीक है। कॉमिंटर्न बनाया गया एक ग्रुप, कॉमिंटर्न क्या था, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज। तो वर्ल्ड वाइड जो प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज है, जो सोशलिस्ट पार्टीज से इंस्पायर्ड है, उनके जैसा बनना चाहती है, तो उनके लिए कॉमिंटर्न बनाया गया, सेकंड इंटरनेशनल टाइप, ठीक है। ये सारे प्रयास किए गए, ठीक है। एडुकेशन इन यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट। तो ईस्ट के जितने भी कंट्रीज थे वहां से लोगों को शिक्षा देने के लिए एक यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की गई, लोग पढ़ने जाने लगे, कहां पे, रशिया में, यूएसएसआर में, ठीक है। देयरफॉर एन इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ यूएसएसआर एज अ सोशलिस्ट कंट्री हैज डिक्लाइन। मतलब इन सारे कारणों से वो नहीं डिक्लाइन हुई इमेज, कहां गया वाला पॉइंट, हाँ प्रॉब्लम ये वाला पहले आना चाहिए था, ठीक है। अब इन सारी चीजों के बावजूद भी क्या कि दीज वर द इंपैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन एंड यूएसएसआर। इन सारी चीजों के बावजूद भी क्या एक प्रॉब्लम थी, इसके पैरेलल में एक प्रॉब्लम थी, क्या, जिसमें मैंने बताया ना कि नॉट ऑल सोशलिस्ट पार्टी इन यूरोप वर ऑन द सेम पोजीशन। तो बहुत सारी सोशलिस्ट पार्टी को ऐसा लगता था कि
जिन आइडियाज से रशियन रेवोल्यूशन आया ना, तो वो आइडियाज को अपहोल्ड नहीं किया जा रहा रशिया में। जैसे कलेक्टिवाइजेशन के नाम पे लोगों को जो आवाज उठाते थे रशियन मतलब उस स्टेप के अगेंस्ट में, उन्हीं को सप्रेस कर दिया गया। तो क्या होता था, इसके चलते इंटरनेशनल रेपुटेशन जो थी ना यूएसएसआर की एज अ सोशलिस्ट कंट्री, वो थोड़ी सी डिक्लाइन भी हुई थी। हाउएवर द सोशलिस्ट आइडियल्स स्टिल एंजॉयड अ रिस्पेक्ट अमंग इट्स पीपल। तो वो ये कि विचार कभी भी खराब नहीं होते, उस वो व्यक्ति जो उन विचारों का मालिक बनने की कोशिश करता है वो व्यक्ति गलत हो सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि सोशलिस्ट कंट्री जो यूएसएसआर बना, तो उसने कभी कभी कुछ गलत स्टेप भी उठाए, इस कारण से उसकी रेपुटेशन डिक्लाइन जरूर हुई है। लेकिन लेकिन जो सोशलिस्ट आइडियल्स हैं, किस चीज के, वर्कर्स स्टेट के, कॉमन ऑनरशिप के, ये हमेशा वर्ल्ड वाइड लोगों को इंस्पायर करते रहे। तो दिस वॉज दी होल स्टोरी, आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। तो यहां पर हमारा चैप्टर होता है समाप्त। आया मजा? यही मजा मैं पूरे देश को देना चाहता हूँ, ठीक है, बताओ आया मजा? आंसर नहीं लिख पाता हूं, समझ में नहीं आता, समझ में सब आता है। तो अब मैं वही तो बताता हूं हर बार कि लिखना शुरू करो। टाइम टू ड्रिंक ब्लू है, पानी पानी पानी, हाँ एक एक गुड पानी पियो सब, बताओ फटाफट। हाँ जी, कल पेपर है कितने का? हाय मयंक, अप्रैल थीसिस में, चलो विमेंस रिजर्वेशन बिल पास हो गया, बधाई हो आप सभी लोगों को। मैंने कल एक वीडियो बनाया था, देखा था विमेंस रिजर्वेशन बिल क्या है, अब एक और डिटेल वीडियो बनाएंगे उस पर पूरा, उसके प्रोविजंस वगैरह निकल के आएंगे जरा सामने, ठीक है ठीक है। तुम्हारा है लेकिन केमिस्ट्री का है तो एसएसटी के ऊपर, ठीक है। स्वाहा, हाँ स्वाहा, पेपर खत्म हुआ, चैप्टर खत्म हुआ, मतलब कलेक्टिवाइजेशन पीजेंट्स गेट वेजेस अकॉर्डिंग टू देयर फैमिली साइज, मतलब वही अपनी अपनी नीड के हिसाब से, ठीक है। ये जो नोट्स है बस क्लास के जस्ट बाद में मैं आपको डाल रहा हूं टेलीग्राम चैनल हमारा टीम डीएसआर उस पर, ठीक है, तो वहां से आप नोट्स ले सकते हैं। एक्साइल मींस देश निकाला, देश निकाला कैसे, कि ही वॉज नॉट अलाउड टू एंटर इन टू द कंट्री, व्लादिमीर लेनिन जो था, ठीक है, ही वॉज नॉट अलाउड। पेट्रोगार्ड जगह का नाम है। प्रोसारिस्ट मतलब जो राजा के सपोर्टर थे। ऑटोनॉमी मतलब आजादी दे देना, ठीक है। अप्रैल थीसिस में लेनिन ने तीन डिमांड बोली, वॉर टू बी ब्रॉट टू एन एंड, लड़ाई को रोका जाए, बैंक्स टू बी नेशनलाइज्ड, एंड लैंड टू बी गिवन टू द पीजेंट्स। ये तीन चीजें अप्रैल थीसिस कहलाई। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रंट में डिफरेंस क्या था, देखो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रंट में डिफरेंस ये था कि ये यूरोप था पूरा, तो पूरे यूरोप में वेस्ट में जैसे फ्रांस वगैरह में जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो वहां पे ट्रेंच बना के लड़े जाते थे, मतलब ऐसे गड्ढे खोद लिए जाते थे, सोल्जर यहां खड़े हो जाते थे गड्ढे में और यहां से ठाए ठाए गोलियां चलती थी। और वही चीज आप देखोगे ये वेस्टर्न एंड में ऐसे लड़ाई लड़ी जा रही थी, ईस्टर्न एंड में क्या था, प्लेन फ्लैट लैंड थी, तो यहां पे क्या है, यहां पे ऐसे जमीन पे लोग लड़ रहे थे, तो इसमें कैजुअलिटीज ज्यादा होती थी ईस्टर्न एंड वाली लड़ाई में, ठीक है। चलो तो आज के सारे टास्क हुए कंप्लीट, कल मिलेंगे हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के साथ में एक और धमाकेदार चैप्टर, ठीक है। ये नोट्स अभी ले लेना टेलीग्राम पे मुझसे, तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल, थैंक यू वेरी मच।